और टीजर में एक्ट्रेस की जो कि शक्लें काफ़ी जो कि कंप्यूटर जो कि जनरेट लग रही थी और उन्होंने बस उसी ठीक कर दिया। और इसमें फिल्म में जो कि बंदर जैसे दिख रहे जो कि अगर उन्हें सवाल वाले बंदर देख लें तो कांप जाएं। और रावण की पूरी सेना गेम जो कि ऑफ थ्रोन वाले जो कि नाइट वर्क्स सी लगती है। और इसमें कुछ जो कि थैनोस जैसे दिखने वाले लोग भी हैं और जो कि ग्रीव और बाली ने जो कि अपने गले में एक माला पहनी हुई है जो ब्लैक पत्थर की जो कि नकल है। आदि पुरुष में जो कि एक सीन जहां राम और रावण की सेनाएं जो कि युद्ध भूमि में आमने सामने हैं, थोड़ी जो कि छिटपुट जो कि लड़ाई चल रही है और यहां पर जो कि राम लक्ष्मण सुग्रीव और जमवत और हनुमान गोल घेरा बनाकर खड़े हैं और कैमरा एक गोल चक्कर मारता है और सबकी झलक कैद करता है। और ये सीन 2012 में आई पहले जो कि द एवेंजर्स ने उठाया था और नीचे लगे वीडियो में 2:24 पर जो कि वो सीन आप देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म में दो चीज़ें ऐसी चीज़ हैं जो इस फिल्म में थोड़ी बहुत देखने के लायक बनती हैं और एकदम जो कि सरतल में जाने से बचने की कोशिश करती हैं। और आवाज तो अजय अतुल का बनाया है और जय श्री राम गाना और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में अपने कई कमज़ोर सीन में जो कि बैकग्राउंड स्कोर की मदद लेती है। और दूसरी चीज़ सैफ अली खान जो कि रावण के जो कि भरपूर खतरनाक और जो कि ड्रामा बनते हैं कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सफल हो जाते हैं और मगर फिल्म उन्हें जो कि लेट डाउन करती है। तो एक रावण के किरदार में जो कि हाइट फिल्म में दिखने वाले जो कि अन्य सभी किरदारों से ज़्यादा वो जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रावण किसी वीडियो गेम का हिस्सा है और उनके हिस्से जो कि घिरे हुए डायलॉग्स आए और प्लास को जो कि कई जो कि मैकों पर जो कि अजीबोगरीब जो कि आवाज़ें निकालते सुनाई देते हैं। और कीर्ति सेनन के पास जो कि करने को ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि फिल्म शुरू होने के आधे घंटे के भीतर रावण जानकी को जो कि किडनैप कर लेता है और उसके बाद जो कि अशोक वाटिका में राघव का इंतज़ार कर रही होती है जो 3 गानों में दिखती है। अगर उन्हें मौके मिलते तो वो फिर फिल्म को बेहतर बनाने में ज़रूर मददगार साबित होती। राम के किरदार में प्रभास नहीं जचे और फिल्म में जो कि बॉमी जो कि शिकल भी उनके चेहरे पर कोई जो कि भाव नज़र नहीं आता। और इतना ही नहीं इनका आत्मा कर्तमा राम के जो कि किरदार पर शूट नहीं करती और जितनी फिल्म में जो कि लाद दी है और प्रभास को देखकर ऐसा लगता है कि वो बाहुबली जो कि हैंगओवर से ही निकल नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण के किरदार में सनी शर्मा ऐसे लगते हैं मानो वो मन में जो कि स्वीकार कर चुके हैं और वो भी जो कि ये इनकी फिल्म है और वो प्रभास के जो कि सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं। और देवदास जो कि नागे ने हनुमान का किरदार निभाया है और वो जो कि शारीरिक रूप से जो कि इस किरदार पर पूरी तरह से सूट करते हैं। और इस फिल्म में उनके हिस्से जो कॉमेडी वाले सीन रखे गए हैं वो भले ही वो जो कि फिल्म पर शूट नहीं कर पा रहे हैं मगर नागे उसमें अच्छे लगते हैं। आदि पुरुष को नए जमाने में की रामायण के तौर पर जो कि पेश करने की कोशिश की गई है मगर वो चीज़ बिल्कुल भी उस दिशा में नहीं जा पाई और कुल जमा बात ये आदि पुरुष में देखने के लायक कुछ नहीं है क्योंकि बहुत ही कुछ दिखाई नहीं देता है और अंधेरी लगती है। ऐसा लगता है कि आदि पुरुष को जो कि DC ने बनाया है और ये फिर फिल्म जो कि अपनी जो कि कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है और आदि पुरुष का जो कि औसत से नीचे ही फिल्म है जिसे आप नहीं देखते तब ज़्यादा कुछ मिस करने का मतलब नहीं करेगा। दोस्तों इसी तरीके से जो कि फिल्म का रिव्यू हमें देखने को मिलता है। वहीं आप लोगों को बता दें अगर आप लोगों को आदि पुरुष देखनी है तो आप लोग आदि पुरुष को नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर जाकर बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर थे ओम रावत जिन्होंने जो कि अजय देवगन के साथ जो कि तानाजी जैसी फिल्में बना चुके हैं। वहीं ओम रावत भी नज़र आए थे जो कि उन्होंने जो कि इस फिल्म पर कोई अच्छे से काम नहीं किया और फिल्म में प्रभास सैफ अली खान कीर्ति सेनन सनी सिंह और जो कि देवदत्ता नागे जैसे कलाकार फिल्म में देखने को मिले। और वहीं फिल्म को 16 जून को यानी 2023 में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का बजट लगभग 700 करोड़ रुपए था और फिल्म ने टोटल कमाई 350 करोड़ रुपए कमाए और फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई और इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में बनाया गया था लेकिन फिल्म जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी जिस तरीके से इसका हवा बवा उड़ा हुआ था उसे पर यह खरी नहीं उतरी। तो दोस्तों क्या आप लोगों को फिल्म पसंद आई या नहीं अपनी राय हमें जरूर दीजिए। जानिए इस वीडियो के माध्यम से आदि पुरुष फिल्म की कहानी और रिव्यू और
इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं कि आप भी जो कि फिल्म की कहानी को समझिए कि आखिर जो कि आदि पुरुष जो कि कौन से इस कहानी पर बनाई गई है, क्या जो उस वक्त के दौर में जो रामायण आई थी क्या उसी पर आधारित है या कुछ चेंजिंग है, और आप लोगों को बताते हैं कि आप इस फिल्म को कहां पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हमने जो भी रामायण में देखी है या पढ़ी है उसमें रामायण और हनुमान समेत तमाम किरदार जो कि ज्ञानी समझदार जो कि टाइप के लोगों हैं लोग हैं, और कम लोग बोलते हैं कि कम का जो कि बोलते हैं और जो कि सब साधारण भाषाओं में बात करते हैं, मगर ये सब कुछ जो कि इन जो कि फॉर्मूला है और जो कि छिछिलनापन है, और रामायण सैकड़ों वर्ष पहले ही जो कि बताई जाती है, और आदि पुरुष देखकर लगता है कि वो कहानी आज घट रही है, और यूपी या दिल्ली के इसी इलाके में मुझे उस भाषा से कोई समस्या नहीं, और तमाम जो कि खामियों के बावजूद मुझे ओवरऑल फिल्म जो कि इंटरटेनिंग लगी, क्योंकि मैं थिएटर में पूजा आर्ट या जो कि धार्मिक भावनाओं के साथ नहीं गया था और पिक्चर देखने गया था, और मेरा जो कि पॉइंट बस यही है। और इन जो कि पछड़ों में भगवान को मत जो कि इन्वॉल्व करिए, ये अपने भगवान के नाम पर जो कि सटीस रिजर्व करवा दी और फूल माला चढ़ा दिया और पिक्चर ऐसी बना दी जिसमें देखने के जो कि नास्तिक लोगों की भी झमकिया भावनाएं अहत हो गई। और इसी सीन में फिल्म की जो कि तथा तम जो कि छुट्टी भी पकड़ी जाती है, और जब हनुमान उनकी राम की जो कि अंगूठी देते हैं तो बदले में जानकी उन्हें अपना जो कि कंगन निकाल कर देती है, जबकि असल में ऐसा था कि सीता ने हनुमान को जो कि अपनी जो कि चूड़ियाँ मड़ी दिया था, और चूड़ियाँ मड़ी एक जो कि ज्वेलरी होती है जो महिलाएं बालों में पहनती है, और हेयर जो कि क्लीनिंग पिन जैसा कुछ, मगर मेकर्स को चूड़ा पहना कर लगा दिया, और ये कंगना जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। और आदि पुरुष पहली बार जो कि अपने जो कि टेक्नल पर्च की जो कि वजह से जो कि खबरों में आई, और टीजर के बाद लोगों ने जो कि शिकायत की कि ये VFX में मेकर्स ने समस्या लिया, बोले VFX को सुधार कर पिक्चर रिलीज़ करें, और पिक्चर देखने के ये बात पता चला कि मेकर्स ने जो कि VFX में कुछ सुधार ही नहीं किया, और टीजर में एक्ट्रेस की जो कि शक्लें काफ़ी जो कि कंप्यूटर जो कि जनरेट लग रही थी, और उन्होंने बस उसी ठीक कर दिया। और इसमें फिल्म में जो कि बंदर जैसे दिख रहे, जो कि अगर उन्हें सवाल वाले बंदर देख लें तो कांप जाएं, और रावण की पूरी सेना गेम जो कि ऑफ थ्रोन वाले जो कि नाइट वर्क्स सी लगती है, और इसमें कुछ जो कि थैनोस जैसे दिखने वाले लोग भी हैं, और जो कि गुरीब और बाली ने जो कि अपने गले में एक माला पहनी हुई है जो ब्लैक पत्थर की जो कि नकल है। आदि पुरुष में जो कि एक सीन जहां राम और रावण की सेनाएं जो कि युद्ध भूमि में आमने सामने हैं, थोड़ी जो कि छिटपुट जो कि लड़ाई चल रही है, और यहां पर जो कि राम लक्ष्मण सुग्रीव और जमवत और हनुमान गोल घेरा बनाकर खड़े हैं, और कैमरा एक गोल चक्कर मारता है और सबकी झलक कैद करता है, और ये सीन 2012 में आई पहले जो कि द एवेंजर्स ने उठाया था, और नीचे लगे वीडियो में 2:24 पर जो कि वो सीन आप देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म में दो चीज़ें ऐसी चीज़ हैं जो इस फिल्म में थोड़ी बहुत देखने के लायक बनती हैं और एकदम जो कि सरतल में जाने से बचने की कोशिश करती हैं, और आवाज तो अजय अतुल का बनाया है, और जय श्री राम गाना और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में अपने कई कमज़ोर सीन में जो कि बैकग्राउंड स्कोर की मदद लेती है। और दूसरी चीज़ सैफ अली खान जो कि रावण के जो कि भरपूर खतरनाक और जो कि डरावना बनते हैं कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सफल हो जाते हैं, और मगर फिल्म उन्हें जो कि लेट डाउन करती है, तो एक रावण के किरदार में जो कि हाइट फिल्म में दिखने वाले जो कि अन्य सभी किरदारों से ज़्यादा, वो जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रावण किसी वीडियो गेम का हिस्सा है, और उनके हिस्से जो कि घिरे हुए डायलॉग्स आए, और प्लास को जो कि कई जो कि मैकों पर जो कि अजीबोगरीब जो कि आवाज़ें निकालते सुनाई देते हैं, और कीर्ति सेनन के पास जो कि करने को ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि फिल्म शुरू होने के आधे घंटे के भीतर रावण जानकी को जो कि किडनैप कर लेता है, और उसके बाद जो कि अशोक वाटिका में राघव का इंतजार कर रही होती है जो 3 गानों में दिखती है। अगर उन्हें मौके मिलते तो वो फिर फिल्म को बेहतर बनाने में ज़रूर मददगार साबित होती। राम के किरदार में प्रभास नहीं जचे, और फिल्म में जो कि बॉमी जो कि शिकल भी उनके चेहरे पर कोई जो कि भाव नज़र नहीं आता, और इतना ही नहीं इनका आत्मा कर्तमा राम के जो कि किरदार पर शूट नहीं करती, और जितनी फिल्म में जो कि लाद दी है और प्रभास को देखकर ऐसा लगता है कि वो बाहुबली जो कि हैंगओवर से ही निकल नहीं पा रहे हैं।
लक्ष्मण के किरदार में सनी शर्मा ऐसे लगते हैं मानो वो मन में जो कि स्वीकार कर चुके हैं और वो भी जो कि ये इनकी फिल्म है और वो प्रभास की जो कि सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं। और देवदास जो कि नागे ने हनुमान का किरदार निभाया है और वो जो कि शारीरिक रूप से जो कि इस किरदार पर पूरी तरह से सूट करते हैं और इस फिल्म में उनके हिस्से जो कॉमेडी वाले सीन रखे गए हैं वो भले ही वो जो कि फिल्म पर शूट नहीं कर पा रहे हैं मगर नागे उसमें अच्छे लगते हैं। आदि पुरुष को नए जमाने में की रामायण के तौर पर जो कि पेश करने की कोशिश की गई है मगर वो चीज़ बिल्कुल भी उस दिशा में नहीं जा पाई और कुल जमा बात ये आदि पुरुष में देखने के लायक कुछ नहीं है क्योंकि बहुत ही कुछ दिखाई नहीं देता है और अंधेरी लगती है। ऐसा लगता है कि आदि पुरुष को जो कि DC ने बनाया है और ये फिर फिल्म जो कि अपनी जो कि कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है और आदि पुरुष का जो कि औसत से नीचे ही फिल्म है जिसे आप नहीं देखते तब ज़्यादा कुछ मिस करने का मतलब नहीं करेगा। दोस्तों इसी तरीके से जो कि फिल्म का रिव्यू हमें देखने को मिलता है। वहीं आप लोगों को बता दें अगर आप लोगों को आदि पुरुष देखनी है तो आप लोग आदि पुरुष को नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर जाकर बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर थे ओम रावत जिन्होंने जो कि अजय देवगन के साथ जो कि तानाजी जैसी फिल्में बना चुके हैं। वहीं ओम रावत भी नज़र आए थे जो कि उन्होंने जो कि इस फिल्म पर कोई अच्छे से काम नहीं किया और फिल्म में प्रभास, सैफ अली खान, कृति सनन, सनी सिंह और जो कि देवदत्ता नागे जैसे कलाकार फिल्म में देखने को मिले। और वहीं फिल्म को 16 जून को यानी 2023 में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का बजट लगभग 700 करोड़ रुपए था और फिल्म ने टोटल कमाई 350 करोड़ रुपए कमाए और फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई और इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में बनाया गया था। लेकिन फिल्म जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी, जिस तरीके से इसका हवा बवा उड़ा हुआ था उसे पर यह खरी नहीं उतरी। तो दोस्तों क्या आप लोगों को फिल्म पसंद आई या नहीं अपनी राय हमें जरूर दीजिए। जानिए इस वीडियो के माध्यम से आदि पुरुष फिल्म की कहानी और रिव्यू और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं कि आप भी जो कि फिल्म की कहानी को समझिए कि आखिर जो कि आदि पुरुष जो कि कौन से इस कहानी पर बनाई गई है, क्या जो उस वक्त के दौर में जो रामायण आई थी क्या उसी पर आधारित है या कुछ चेंजिंग है। और आप लोगों को बताते हैं कि आप इस फिल्म को कहां पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हमने जो भी रामायण में देखी है या पढ़ी है उसमें रामायण और हनुमान समेत तमाम किरदार जो कि ज्ञानी समझदार जो कि टाइप के लोग हैं और कम लोग बोलते हैं कि कम का जो कि बोलते हैं और जो कि सब साधारण भाषाओं में बात करते हैं मगर ये सब कुछ जो कि इन जो कि फॉर्मल है और जो कि छिछिल्लापन है और रामायण सैकड़ों वर्ष पहले ही जो कि बताई जा चुकी है। और आदि पुरुष देखकर लगता है कि वो कहानी आज घट रही है और यूपी या दिल्ली के इसी इलाके में मुझे उस भाषा से कोई समस्या नहीं और तमाम जो कि खामियों के बावजूद मुझे ओवरऑल फिल्म जो कि इंटरटेनिंग लगी क्योंकि मैं थिएटर में पूजा आर्ट या जो कि धार्मिक भावनाओं के साथ नहीं गया था और पिक्चर देखने गया था और मेरा जो कि पॉइंट बस यही है। और इन जो कि पचड़ों में भगवान को मत जो कि इन्वॉल्व करिए या अपने भगवान के नाम पर जो कि सर्टिस रिजर्व करवा दी और फूल माला चढ़ा दिया और पिक्चर ऐसे बना दी जिसमें देखने के जो कि नास्तिक लोगों की भी झमकिया भावनाएं अहत हो गई। और इसी सीन में फिल्म की जो कि तथा तम जो कि छुट्टी भी पकड़ी जाती है और जब हनुमान उनकी राम के जो कि अंगूठी देते हैं तो बदले में जानकी उन्हें अपना जो कि कंगन निकाल कर देती है जबकि असल में ऐसा था कि सीता ने हनुमान को जो कि अपनी जो कि चूड़िया मणि दिया था और चूड़िया मणि एक जो कि ज्वेलरी होती है जो महिलाएं बालों में पहनती हैं और हेयर जो कि क्लीनिंग पिन जैसा कुछ मगर मेकर्स को चूड़ा पहना कर लगा दिया और ये कंगना जैसी कोई चीज नहीं होगी। और आदि पुरुष पहली बार जो कि अपने जो कि टेक्नल पर्च की जो कि वजह से जो कि खबरों में आई और टीजर के बाद लोगों ने जो कि शिकायत की कि ये VFX में मेकर्स ने समस्या लिया, बोले VFX को सुधार कर पिक्चर रिलीज करें और पिक्चर देखने के ये बात पता चला कि मेकर्स ने जो कि VFX में कुछ सुधार ही नहीं किया और टीजर में एक्टर्स की जो कि शक्लें काफ़ी जो कि कंप्यूटर जो कि जनरेट लग रही थी और उन्होंने बस उसे ठीक कर दिया। और इसमें फिल्म में जो कि बंदर जैसे दिख रहे जो कि अगर उन्हें सवाल वाले बंदर देख लें तो कांप जाएं और रावण की पूरी सेना गेम जो कि ऑफ थ्रोन वाले जो कि नाइट वर्क्स से लगती है और इसमें कुछ जो कि थैनोस जैसे दिखने वाले लोग भी हैं और जो कि गुरीब और बाली ने जो कि अपने गले में एक माला पहनी हुई है जो ब्लैक पत्थर की जो कि नकल है।
आदि पुरुष में जो कि एक सीन जहां राम और रावण की सेनाएं जो कि युद्ध भूमि में आमने सामने हैं, थोड़ी जो कि छिटपुट जो कि लड़ाई चल रही है और यहां पर जो कि राम लक्ष्मण सुग्रीव और जमवत और हनुमान गोल घेरा बनाकर खड़े हैं और कैमरा एक गोल चक्कर मारता है और सबकी झलक कैद करता है। और ये सीन 2012 में आई पहली जो कि द एवेंजर्स ने उठाया था और नीचे लगे वीडियो में 2:24 पर जो कि वो सीन आप देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म में दो चीज़ें ऐसी चीज हैं जो इस फिल्म में थोड़ी बहुत देखने के लायक बनती हैं और एकदम जो कि सरतल में जाने से बचने की कोशिश करती हैं। और आवाज़ तो अजय अतुल का बनाया है और जय श्री राम गाना और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में अपने कई कमजोर सीन में जो कि बैकग्राउंड स्कोर की मदद लेती है। और दूसरी चीज सैफ अली खान जो कि रावण के जो कि भरपूर खतरनाक और जो कि डरावना बनते हैं कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सफल हो जाते हैं और मगर फिल्म उन्हें जो कि लेट डाउन करती है। तो एक रावण के किरदार में जो कि हाइट फिल्म में दिखने वाले जो कि अन्य सभी किरदारों से ज़्यादा वो जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रावण किसी वीडियो गेम का हिस्सा है और उनके हिस्से जो कि घिरे हुए डायलॉग्स आए और प्लास को जो कि कई जो कि मैकों पर जो कि अजीबोगरीब जो कि आवाज़ें निकालते सुनाई देते हैं। और कीर्ति सेनन के पास जो कि करने को ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि फिल्म शुरू होने के आधे घंटे के भीतर रावण जानकी को जो कि किडनैप कर लेता है और उसके बाद जो कि अशोक वाटिका में रागों का इंतजार कर रही होती है जो 3 गानों में दिखती है। अगर उन्हें मौके मिलते तो वो फिर फिल्म को बेहतर बनाने में ज़रूर मददगार साबित होती। राम के किरदार में प्रभास नहीं जचे और फिल्म में जो कि बॉमी जो कि शिकल भी उनके चेहरे पर कोई जो कि भाव नज़र नहीं आता। और इतना ही नहीं इनका आत्मा कर्तमा राम के जो कि किरदार पर शूट नहीं करती और जितनी फिल्म में जो कि लाद दी है और प्रभास को देखकर ऐसा लगता है कि वो बाहुबली जो कि हैंगओवर से ही निकल नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण के किरदार में सनी शर्मा ऐसे लगते हैं मानो वो मन में जो कि स्वीकार कर चुके हैं और वो भी जो कि ये इनकी फिल्म है और वो प्रभास के जो कि सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं। और देवदास जो कि नागे ने हनुमान का किरदार निभाया है और वो जो कि शारीरिक रूप से जो कि इस किरदार पर पूरी तरह से सूट करते हैं और इस फिल्म में उनके हिस्से जो कॉमेडी वाले सीन रखे गए हैं वो भले ही वो जो कि फिल्म पर शूट नहीं कर पा रहे हैं मगर नागे उसमें अच्छे लगते हैं। आदि पुरुष को नए जमाने में की रामायण के तौर पर जो कि पेश करने की कोशिश की गई है मगर वो चीज़ बिल्कुल भी उस दिशा में नहीं जा पाई और कुल जमा बात ये आदि पुरुष में देखने के लायक कुछ नहीं है क्योंकि बहुत ही कुछ दिखाई नहीं देता है और अंधेरी लगती है। ऐसा लगता है कि आदि पुरुष को जो कि DC ने बनाया है और ये फिर फिल्म जो कि अपनी जो कि कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है और आदि पुरुष का जो कि औसत से नीचे ही फिल्म है जिसे आप नहीं देखते तब ज़्यादा कुछ मिस करने का मतलब नहीं करेगा। दोस्तों इसी तरीके से जो कि फिल्म का डेब्यू हमें देखने को मिलता है। वहीं आप लोगों को बता दें अगर आप लोगों को आदि पुरुष देखनी है तो आप लोग आदि पुरुष को नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर जाकर बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर थे ओम रावत जिन्होंने जो कि अजय देवगन के साथ जो कि तानाजी जैसी फिल्में बना चुके हैं। वहीं ओम रावत भी नजर आए थे जो कि उन्होंने जो कि इस फिल्म पर कोई अच्छे से काम नहीं किया और फिल्म में प्रभास सैफ अली खान कीर्ति सेनन सनी सिंह और जो कि देवदत्ता नागे जैसे कलाकार फिल्म में देखने को मिले। और वहीं फिल्म को 16 जून को यानी 2023 में रिलीज किया गया था। फिल्म का बजट लगभग 700 करोड़ रुपए था और फिल्म ने टोटल कमाई 350 करोड़ रुपए कमाए और फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई और इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में बनाया गया था लेकिन फिल्म जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी जिस तरीके से इसका हवा उड़ा हुआ था उसे पर ये खरी नहीं उतरी। तो दोस्तों क्या आप लोगों को फिल्म पसंद आई या नहीं अपनी राय हमें जरूर दीजिए। जानिए इस वीडियो के माध्यम से आदि पुरुष फिल्म की कहानी और रिव्यू और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं कि आप भी जो कि फिल्म की कहानी को समझिए कि आखिर जो कि आदि पुरुष जो कि कौन से इस कहानी पर बनाई गई है, क्या जो उस वक्त के दौर में जो रामायण आई थी क्या उसी पर आधारित है या कुछ चेंजिंग है। और आप लोगों को बताते हैं कि आप इस फिल्म को कहां पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं और हमने जो भी रामायण में देखी है या पढ़ी है उसमें रामायण और हनुमान समेत तमाम किरदार जो कि ज्ञानी समझदार जो कि टाइप के लोग हैं और कम लोग बोलते हैं कि कम का जो कि बोलते हैं और जो कि सब साधारण भाषाओं में बात करते हैं मगर ये सब कुछ जो कि इन जो कि फॉर्मूला है और जो कि छिल
छिछिलापन है और रामायण सैकड़ों वर्ष पहले ही जो कि बताई जाती है और आदि पुरुष देखकर लगता है कि वो कहानी आज घट रही है और यूपी या दिल्ली के इसी इलाके में मुझे उस भाषा से कोई समस्या नहीं और तमाम जो कि खामियों के बावजूद मुझे ओवरऑल फिल्म जो कि इंटरटेनिंग लगी, क्योंकि मैं थिएटर में पूजा आर्ट या जो कि धार्मिक भावनाओं के साथ नहीं गया था और पिक्चर देखने गया था और मेरा जो कि पॉइंट बस यही है। और इन जो कि पछड़ों में भगवान को मत जो कि इन्वॉल्व करिए या अपने भगवान के नाम पर जो कि सटीस रिजर्व करवा दी और फूल माला चढ़ा दिया और पिक्चर ऐसी बना दी जिसमें देखने के जो कि नास्तिक लोगों की भी झमकियां भावनाएं अहत हो गई। और इसी सीन में फिल्म की जो कि तथातम जो कि छुट्टी भी पकड़ी जाती है और जब हनुमान उनकी राम की जो कि अंगूठी देते हैं तो बदले में जानकी उन्हें अपना जो कि कंगन निकाल कर देती है, जबकि असल में ऐसा था कि सीता ने हनुमान को जो कि अपनी जो कि चूड़ियाँ मड़ी दिया था और चूड़ियाँ मड़ी एक जो कि ज्वेलरी होती है जो महिलाएं बालों में पहनती है और हेयर जो कि क्लीनिंग पिन जैसा कुछ, मगर मेकर्स को चूड़ा पहना कर लगा दिया और ये कंगना जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। और आदि पुरुष पहली बार जो कि अपने जो कि टेक्नल पर्च की जो कि वजह से जो कि खबरों में आई और टीजर के बाद लोगों ने जो कि शिकायत की कि ये VFX में मेकर्स ने समस्या लिया, बोले VFX को सुधार कर पिक्चर रिलीज़ करें और पिक्चर देखने के ये बात पता चला कि मेकर्स ने जो कि VFX में कुछ सुधार ही नहीं किया और टीजर में एक्ट्रेस की जो कि शक्लें काफ़ी जो कि कंप्यूटर जो कि जनरेट लग रही थी और उन्होंने बस उसी ठीक कर दिया। और इसमें फिल्म में जो कि बंदर जैसे दिख रहे जो कि अगर उन्हें सवाल वाले बंदर देख लें तो कांप जाएं और रावण की पूरी सेना गेम जो कि ऑफ थ्रोन वाले जो कि नाइट वर्क्स सी लगती है और इसमें कुछ जो कि थैनोस जैसे दिखने वाले लोग भी हैं और जो कि गुरीब और बाली ने जो कि अपने गले में एक माला पहनी हुई है जो ब्लैक पत्थर की जो कि नकल है। आदि पुरुष में जो कि एक सीन जहां राम और रावण की सेनाएं जो कि युद्ध भूमि में आमने सामने हैं, थोड़ी जो कि छिटपुट जो कि लड़ाई चल रही है और यहां पर जो कि राम लक्ष्मण सुग्रीव और जमवत और हनुमान गोल घेरा बनाकर खड़े हैं और कैमरा एक गोल चक्कर मारता है और सबकी झलक कैद करता है। और ये सीन 2012 में आई पहले जो कि द एवेंजर्स ने उठाया था और नीचे लगे वीडियो में 2:24 पर जो कि वो सीन आप देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म में दो चीज़ें ऐसी चीज़ हैं जो इस फिल्म में थोड़ी बहुत देखने के लायक बनती हैं और एकदम जो कि सरतल में जाने से बचने की कोशिश करती हैं और आवाज तो अजय अतुल का बनाया है और जय श्री राम गाना और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में अपने कई कमज़ोर सीन में जो कि बैकग्राउंड स्कोर की मदद लेती है। और दूसरी चीज़ सैफ अली खान जो कि रावण के जो कि भरपूर खतरनाक और जो कि ड्रामना बनते हैं कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सफल हो जाते हैं और मगर फिल्म उन्हें जो कि लेट डाउन करती है। तो एक रावण के किरदार में जो कि हाइट फिल्म में दिखने वाले जो कि अन्य सभी किरदारों से ज़्यादा जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रावण किसी वीडियो गेम का हिस्सा है और उनके हिस्से जो कि घिरे हुए डायलॉग्स आए और प्लास को जो कि कई जो कि मैकों पर जो कि अजीबोगरीब जो कि आवाज़ें निकालते सुनाई देते हैं। और कीर्ति सेनन के पास जो कि करने को ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि फिल्म शुरू होने के आधे घंटे के भीतर रावण जानकी को जो कि किडनैप कर लेता है और उसके बाद जो कि अशोक वाटिका में राघव का इंतज़ार कर रही होती है जो 3 गानों में दिखती है। अगर उन्हें मौके मिलते तो वो फिर फिल्म को बेहतर बनाने में ज़रूर मददगार साबित होती। राम के किरदार में प्रभास नहीं जचे और फिल्म में जो कि बॉमी जो कि शिकल भी उनके चेहरे पर कोई जो कि भाव नज़र नहीं आता और इतना ही नहीं इनका आत्मा कर्तमा राम के जो कि किरदार पर शूट नहीं करती और जितनी फिल्म में जो कि लाद दी है और प्रभास को देखकर ऐसा लगता है कि वो बाहुबली जो कि हैंगओवर से ही निकल नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण के किरदार में सनी शर्मा ऐसे लगते हैं मानो वो मन में जो कि स्वीकार कर चुके हैं और वो भी जो कि ये इनकी फिल्म है और वो प्रभास के जो कि सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं। और देवदास जो कि नागे ने हनुमान का किरदार निभाया है और वो जो कि शारीरिक रूप से जो कि इस किरदार पर पूरी तरह से सूट करते हैं और इस फिल्म में उनके हिस्से जो कॉमेडी वाले सीन रखे गए हैं वो भले ही वो जो कि फिल्म पर शूट नहीं कर पा रहे हैं मगर नागे उसमें अच्छे लगते हैं। आदि पुरुष को नए जमाने में की रामायण के तौर पर जो कि पेश करने की कोशिश की गई है मगर वो चीज़ बिल्कुल भी
उस दिशा में नहीं जा पाई। और कुल जमा बात ये आदि पुरुष में देखने के लायक कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत ही कुछ दिखाई नहीं देता है और अंधेरी लगती है। ऐसा लगता है कि आदि पुरुष को जो कि डीसी ने बनाया है और ये फिर फिल्म जो कि अपनी जो कि कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है और आदि पुरुष का जो कि औसत से नीचे ही फिल्म है जिसे आप नहीं देखते तब ज़्यादा कुछ मिस करने का मतलब नहीं करेगा। दोस्तों इसी तरीके से जो कि फिल्म का डेब्यू हमें देखने को मिलता है। वहीं आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों को आदि पुरुष देखनी है तो आप लोग आदि पुरुष को नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर जाकर बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर थे ओम रावत, जिन्होंने जो कि अजय देवगन के साथ जो कि तानाजी जैसी फिल्में बना चुके हैं। वहीं ओम रावत भी नज़र आए थे जो कि उन्होंने जो कि इस फिल्म पर कोई अच्छे से काम नहीं किया और फिल्म में प्रभास, सैफ अली खान, कृति सनन, सनी सिंह और जो कि देवदत्ता नागे जैसे कलाकार फिल्म में देखने को मिले। और वहीं फिल्म को 16 जून को यानी 2023 में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का बजट लगभग 700 करोड़ रुपए था और फिल्म ने टोटल कमाई 350 करोड़ रुपए कमाए और फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। और इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में बनाया गया था, लेकिन फिल्म जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी, जिस तरीके से इसका हवा बवा उड़ा हुआ था, उसे पर यह खरी नहीं उतरी। तो दोस्तों क्या आप लोगों को फिल्म पसंद आई या नहीं, अपनी राय हमें जरूर दीजिए। जानिए इस वीडियो के माध्यम से आदि पुरुष फिल्म की कहानी और रिव्यू। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं कि आप भी जो कि फिल्म की कहानी को समझिए कि आखिर जो कि आदि पुरुष जो कि कौन सी इस कहानी पर बनाई गई है, क्या जो उस वक्त के दौर में जो रामायण आई थी क्या उसी पर आधारित है या कुछ चेंजिंग है। और आप लोगों को बताते हैं कि आप इस फिल्म को कहां पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हमने जो भी रामायण में देखी है या पढ़ी है उसमें रामायण और हनुमान समेत तमाम किरदार जो कि ज्ञानी समझदार जो कि टाइप के लोग हैं और कम लोग बोलते हैं कि कम का जो कि बोलते हैं और जो कि सब साधारण भाषाओं में बात करते हैं, मगर ये सब कुछ जो कि इन जो कि फॉर्मूला है और जो कि छिछिलनापन है। और रामायण सैकड़ों वर्ष पहले ही जो कि बताई जाती है और आदि पुरुष देखकर लगता है कि वो कहानी आज घट रही है और यूपी या दिल्ली के इसी इलाके में मुझे उस भाषा से कोई समस्या नहीं और तमाम जो कि खामियों के बावजूद मुझे ओवरऑल फिल्म जो कि इंटरटेनिंग लगी, क्योंकि मैं थिएटर में पूजा आर्ट या जो कि धार्मिक भावनाओं के साथ नहीं गया था और पिक्चर देखने गया था और मेरा जो कि पॉइंट बस यही है। और इन जो कि पछड़ों में भगवान को मत जो कि इन्वॉल्व करिए या अपने भगवान के नाम पर जो कि सटीस रिजर्व करवा दी और फूल माला चढ़ा दिया और पिक्चर ऐसी बना दी जिसमें देखने के जो कि नास्तिक लोगों की भी झमकिया भावनाएं अहत हो गई। और इसी सीन में फिल्म की जो कि तथातम जो कि छुट्टी भी पकड़ी जाती है और जब हनुमान उनकी राम के जो कि अंगूठी देते हैं तो बदले में जानकी उन्हें अपना जो कि कंगन निकाल कर देती है, जबकि असल में ऐसा था कि सीता ने हनुमान को जो कि अपनी जो कि चूड़ियाँ मड़ी दिया था। और चूड़ियाँ मड़ी एक जो कि ज्वेलरी होती है जो महिलाएं बालों में पहनती है और हेयर जो कि क्लीनिंग पिन जैसा कुछ, मगर मेकर्स को चूड़ा पहना कर लगा दिया और ये कंगना जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। और आदि पुरुष पहली बार जो कि अपने जो कि टेक्नल पर्च की जो कि वजह से जो कि खबरों में आई और टीजर के बाद लोगों ने जो कि शिकायत की कि ये VFX में मेकर्स ने समस्या लिया, बोले VFX को सुधार कर पिक्चर रिलीज़ करें और पिक्चर देखने के ये बात पता चला कि मेकर्स ने जो कि VFX में कुछ सुधार ही नहीं किया और टीजर में एक्ट्रेस की जो कि शक्लें काफ़ी जो कि कंप्यूटर जो कि जनरेट लग रही थी और उन्होंने बस उसी ठीक कर दिया। और इसमें फिल्म में जो कि बंदर जैसे दिख रहे जो कि अगर उन्हें सवाल वाले बंदर देख लें तो कांप जाएं। और रावण की पूरी सेना गेम जो कि ऑफ थ्रोन वाले जो कि नाइट वर्क्स सी लगती है और इसमें कुछ जो कि थैनोस जैसे दिखने वाले लोग भी हैं और जो कि गुरीब और बाली ने जो कि अपने गले में एक माला पहनी हुई है जो ब्लैक पत्थर की जो कि नकल है। आदि पुरुष में जो कि एक सीन जहां राम और रावण की सेनाएं जो कि युद्ध भूमि में आमने सामने हैं, थोड़ी जो कि छिटपुट जो कि लड़ाई चल रही है और यहां पर जो कि राम लक्ष्मण सुग्रीव और जमवत और हनुमान गोल घेरा बनाकर खड़े हैं और कैमरा एक गोल चक्कर मारता है और सबकी झलक कैद करता है। और ये सीन 2012 में आई पहले जो कि द एवेंजर्स ने उठाया था और नीचे लगे वीडियो में 2 मिनट 24 सेकंड पर जो कि वो सीन आप देख सकते हैं। वहीं
इस फिल्म में दो चीज़ें ऐसी चीज़ हैं जो इस फिल्म में थोड़ी बहुत देखने के लायक बनती हैं और एकदम जो कि सरतल में जाने से बचने की कोशिश करती है। और आवाज तो अजय अतुल का बनाया है और जय श्री राम गाना और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में अपने कई कमज़ोर सीन में जो कि बैकग्राउंड स्कोर की मदद लेती है। और दूसरी चीज़ सैफ अली खान जो कि रावण की जो कि भरपूर खतरनाक और जो कि ड्रामा बनते हैं कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सफल हो जाते हैं और मगर फिल्म उन्हें जो कि लेट डाउन करती है। तो एक रावण के किरदार में जो कि हाइट फिल्म में दिखने वाले जो कि अन्य सभी किरदारों से ज़्यादा जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रावण किसी वीडियो गेम का हिस्सा है और उनके हिस्से जो कि घिरे हुए डायलॉग्स आए और प्लास को जो कि कई जो कि मैकों पर जो कि अजीबोगरीब जो कि आवाज़ें निकालते सुनाई देते हैं। और कीर्ति सेनन के पास जो कि करने को ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि फिल्म शुरू होने के आधे घंटे के भीतर रावण जानकी को जो कि किडनैप कर लेता है और उसके बाद जो कि अशोक वाटिका में राघव का इंतज़ार कर रही होती है जो तीन गानों में दिखती है। अगर उन्हें मौके मिलते तो वो फिर फिल्म को बेहतर बनाने में ज़रूर मददगार साबित होती। राम के किरदार में प्रभास नहीं जचे और फिल्म में जो कि बॉमी जो कि शिकल भी उनके चेहरे पर कोई जो कि भाव नज़र नहीं आता। और इतना ही नहीं इनका आत्मा कर्तमा राम के जो कि किरदार पर शूट नहीं करती और जितनी फिल्म में जो कि लाद दी है और प्रभास को देखकर ऐसा लगता है कि वो बाहुबली जो कि हैंगओवर से ही निकल नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण के किरदार में सनी शर्मा ऐसे लगते हैं मानो वो मन में जो कि स्वीकार कर चुके हैं और वो भी जो कि ये इनकी फिल्म है और वो प्रभास के जो कि सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं। और देवदात जो कि नागे ने हनुमान का किरदार निभाया है और वो जो कि शारीरिक रूप से जो कि इस किरदार पर पूरी तरह से सूट करते हैं और इस फिल्म में उनके हिस्से जो कॉमेडी वाले सीन रखे गए हैं वो भले ही वो जो कि फिल्म पर शूट नहीं कर पा रहे हैं मगर नागे उसमें अच्छे लगते हैं। आदि पुरुष को नए जमाने में की रामायण के तौर पर जो कि पेश करने की कोशिश की गई है मगर वो चीज़ बिल्कुल भी उस दिशा में नहीं जा पाई और कुल जमा बात ये आदि पुरुष में देखने के लायक कुछ नहीं है क्योंकि बहुत ही कुछ दिखाई नहीं देता है और अंधेरी लगती है। ऐसा लगता है कि आदि पुरुष को जो कि DC ने बनाया है और ये फिर फिल्म जो कि अपनी जो कि कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है और आदि पुरुष का जो कि औसत से नीचे ही फिल्म है जिसे आप नहीं देखते तब ज़्यादा कुछ मिस करने का मतलब नहीं करेगा। दोस्तों इसी तरीके से जो कि फिल्म का रिव्यू हमें देखने को मिलता है। वहीं आप लोगों को बता दें अगर आप लोगों को आदि पुरुष देखनी है तो आप लोग आदि पुरुष को नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर जाकर बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर थे ओम रावत जिन्होंने जो कि अजय देवगन के साथ जो कि तानाजी जैसी फिल्में बना चुके हैं। वहीं ओम रावत भी नज़र आए थे जो कि उन्होंने जो कि इस फिल्म पर कोई अच्छे से काम नहीं किया और फिल्म में प्रभास सैफ अली खान कीर्ति सेनन सनी सिंह और जो कि देवदत्ता नागे जैसे कलाकार फिल्म में देखने को मिले। और वहीं फिल्म को 16 जून को यानी 2023 में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का बजट लगभग 700 करोड़ रुपए था और फिल्म ने टोटल कमाई 350 करोड़ रुपए कमाए और फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई और इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में बनाया गया था लेकिन फिल्म जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी जिस तरीके से इसका हवा बवा उड़ा हुआ था उसे पर यह खरी नहीं उतरी। तो दोस्तों क्या आप लोगों को फिल्म पसंद आई या नहीं अपनी राय हमें जरूर दीजिए। जानिए इस वीडियो के माध्यम से आदि पुरुष फिल्म की कहानी और रिव्यू और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं कि आप भी जो कि फिल्म की कहानी को समझिए कि आखिर जो कि आदि पुरुष जो कि कौन से इस कहानी पर बनाई गई है, क्या जो उस वक्त के दौर में जो रामायण आई थी क्या उसी पर आधारित है या कुछ चेंजिंग है, और आप लोगों को बताते हैं कि आप इस फिल्म को कहां पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हमने जो भी रामायण में देखी है या पढ़ी है उसमें रामायण और हनुमान समेत तमाम किरदार जो कि ज्ञानी समझदार जो कि टाइप के लोग हैं और कम लोग बोलते हैं कि कम का जो कि बोलते हैं और जो कि सब साधारण भाषाओं में बात करते हैं मगर ये सब कुछ जो कि इन जो कि फॉर्मल है और जो कि छिछिल्लापन है और रामायण सैकड़ों वर्ष पहले ही जो कि बताई जा चुकी है और आदि पुरुष देखकर लगता है कि वो कहानी आज घट रही है और यूपी या दिल्ली के इसी इलाके में
मुझे उस भाषा से कोई समस्या नहीं और तमाम जो कि खामियों के बावजूद मुझे ओवरऑल फिल्म जो कि इंटरटेनिंग लगी, क्योंकि मैं थिएटर में पूजा आर्ट या जो कि धार्मिक भावनाओं के साथ नहीं गया था और पिक्चर देखने गया था, और मेरा जो कि पॉइंट बस यही है। और इन जो कि पचड़ों में भगवान को मत जो कि इन्वॉल्व करिए, ये अपने भगवान के नाम पर जो कि सर्टिस रिजर्व करवा दी और फूल माला चढ़ा दिया और पिक्चर ऐसे बना दी जिसमें देखने के जो कि नास्तिक लोगों की भी झमकिया भावनाएं अहत हो गई। और इसी सीन में फिल्म की जो कि तथा तम जो कि छुट्टी भी पकड़ी जाती है, और जब हनुमान उनकी राम की जो कि अंगूठी देते हैं तो बदले में जानकी उन्हें अपना जो कि कंगन निकाल कर देती है, जबकि असल में ऐसा था कि सीता ने हनुमान को जो कि अपनी जो कि चूड़िया मणि दिया था, और चूड़िया मणि एक जो कि ज्वेलरी होती है जो महिलाएं बालों में पहनती हैं, और हेयर जो कि क्लीनिंग पिन जैसा कुछ मगर मेकर्स को चूड़ा पहना कर लगा दिया, और ये कंगना जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। और आदि पुरुष पहली बार जो कि अपने जो कि टेक्नल पर्च की जो कि वजह से जो कि खबरों में आई, और टीजर के बाद लोगों ने जो कि शिकायत की कि ये वीएफएक्स में मेकर्स ने समस्या लिया, बोले वीएफएक्स को सुधार कर पिक्चर रिलीज करें, और पिक्चर देखने के ये बात पता चला कि मेकर्स ने जो कि वीएफएक्स में कुछ सुधार ही नहीं किया, और टीजर में एक्टर्स की जो कि शक्लें काफ़ी जो कि कंप्यूटर जो कि जनरेट लग रही थी, और उन्होंने बस उसे ठीक कर दिया। और इसमें फिल्म में जो कि बंदर जैसे दिख रहे, जो कि अगर उन्हें सवाल वाले बंदर देख लें तो कांप जाएं, और रावण की पूरी सेना गेम जो कि ऑफ थ्रोन वाले जो कि नाइट वर्क्स से लगती है, और इसमें कुछ जो कि थैनोस जैसे दिखने वाले लोग भी हैं, और जो कि गरीब और बाली ने जो कि अपने गले में एक माला पहनी हुई है जो ब्लैक पत्थर की जो कि नकल है। आदि पुरुष में जो कि एक सीन जहां राम और रावण की सेनाएं जो कि युद्ध भूमि में आमने सामने हैं, थोड़ी जो कि छिटपुट जो कि लड़ाई चल रही है, और यहां पर जो कि राम लक्ष्मण सुग्रीव और जमवत और हनुमान गोल घेरा बनाकर खड़े हैं, और कैमरा एक गोल चक्कर मारता है और सबकी झलक कैद करता है। और ये सीन 2012 में आई पहले जो कि द एवेंजर्स ने उठाया था, और नीचे लगे वीडियो में 2:24 पर जो कि वो सीन आप देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म में दो चीज़ें ऐसी चीज़ हैं जो इस फिल्म में थोड़ी बहुत देखने के लायक बनती हैं और एकदम जो कि सरतल में जाने से बचने की कोशिश करती हैं, और आवाज तो अजय अतुल का बनाया है, और जय श्री राम गाना और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में अपने कई कमजोर सीन में जो कि बैकग्राउंड स्कोर की मदद लेती है। और दूसरी चीज सैफ अली खान जो कि रावण के जो कि भरपूर खतरनाक और जो कि डरावना बनते हैं कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सफल हो जाते हैं, और मगर फिल्म उन्हें जो कि लेट डाउन करती है, तो एक रावण के किरदार में जो कि हाइट फिल्म में दिखने वाले जो कि अन्य सभी किरदारों से ज़्यादा वो जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रावण किसी वीडियो गेम का हिस्सा है, और उनके हिस्से जो कि घिरे हुए डायलॉग्स आए और प्लास को जो कि कई जो कि मैकों पर जो कि अजीबोगरीब जो कि आवाज़ें निकालते सुनाई देते हैं। और कीर्ति सेनन के पास जो कि करने को ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि फिल्म शुरू होने के आधे घंटे के भीतर रावण जानकी को जो कि किडनैप कर लेता है, और उसके बाद जो कि अशोक वाटिका में रागों का इंतजार कर रही होती है जो 3 गानों में दिखती है। अगर उन्हें मौके मिलते तो वो फिर फिल्म को बेहतर बनाने में ज़रूर मददगार साबित होती। राम के किरदार में प्रभास नहीं जचे, और फिल्म में जो कि बॉमी जो कि शिकल भी उनके चेहरे पर कोई जो कि भाव नज़र नहीं आता, और इतना ही नहीं इनका आत्मा कर्तमा राम के जो कि किरदार पर शूट नहीं करती, और जितनी फिल्म में जो कि लाद दी हैं और प्रभास को देखकर ऐसा लगता है कि वो बाहुबली जो कि हैंगओवर से ही निकल नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण के किरदार में सनी शर्मा ऐसे लगते हैं मानो वो मन में जो कि स्वीकार कर चुके हैं, और वो भी जो कि ये इनकी फिल्म है, और वो प्रभास के जो कि सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं, और देवदास जो कि नागे ने हनुमान का किरदार निभाया है, और वो जो कि शारीरिक रूप से जो कि इस किरदार पर पूरी तरह से सूट करते हैं, और इस फिल्म में उनके हिस्से जो कॉमेडी वाले सीन रखे गए हैं वो भले ही वो जो कि फिल्म पर शूट नहीं कर पा रहे हैं मगर नागे उसमें अच्छे लगते हैं। आदि पुरुष को नए जमाने में की रामायण के तौर पर जो कि पेश करने की कोशिश की गई है मगर वो चीज़ बिल्कुल भी उस दिशा में नहीं जा पाई, और कुल जमा बात ये आदि पुरुष में देखने के लायक कुछ नहीं है क्योंकि बहुत ही कुछ दिखाई नहीं देता है और अंधेरी लगती है। ऐसा लगता है कि आदि पुरुष को जो कि DC ने बनाया है, और ये फिर फिल्म जो कि अपनी जो कि कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, और आदि की
और आदि पुरुष का जो कि औसत से नीचे ही फिल्म है जिसे आप नहीं देखते तब ज़्यादा कुछ मिस करने का मतलब नहीं करेगा। दोस्तों इसी तरीके से जो कि फिल्म का डेब्यू हमें देखने को मिलता है। वहीं आप लोगों को बता दें अगर आप लोगों को आदि पुरुष देखनी है तो आप लोग आदि पुरुष को नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर जाकर बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर थे ओम रावत जिन्होंने जो कि अजय देवगन के साथ जो कि तानाजी जैसी फिल्में बना चुके हैं। वहीं ओम रावत भी नजर आए थे जो कि उन्होंने जो कि इस फिल्म पर कोई अच्छे से काम नहीं किया और फिल्म में प्रभास, सैफ अली खान, कृति सनन, सनी सिंह और जो कि देवदत्ता नागे जैसे कलाकार फिल्म में देखने को मिले। और वहीं फिल्म को 16 जून को यानी 2023 में रिलीज किया गया था। फिल्म का बजट लगभग 700 करोड़ रुपए था और फिल्म ने टोटल कमाई 350 करोड़ रुपए कमाए और फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। और इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में बनाया गया था लेकिन फिल्म जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी, जिस तरीके से इसका हवा उड़ा हुआ था उसे पर ये खरी नहीं उतरी। तो दोस्तों क्या आप लोगों को फिल्म पसंद आई या नहीं अपनी राय हमें जरूर दीजिए। जानिए इस वीडियो के माध्यम से आदि पुरुष फिल्म की कहानी और रिव्यू। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं कि आप भी जो कि फिल्म की कहानी को समझिए कि आखिर जो कि आदि पुरुष जो कि कौन से इस कहानी पर बनाई गई है, क्या जो उस वक्त के दौर में जो रामायण आई थी क्या उसी पर आधारित है या कुछ चेंजिंग है। और आप लोगों को बताते हैं कि आप इस फिल्म को कहां पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हमने जो भी रामायण में देखी है या पढ़ी है उसमें रामायण और हनुमान समेत तमाम किरदार जो कि ज्ञानी समझदार जो कि टाइप के लोग हैं और कम लोग बोलते हैं कि कम का जो कि बोलते हैं और जो कि सब साधारण भाषाओं में बात करते हैं मगर ये सब कुछ जो कि इन जो कि फॉर्मूला है और जो कि छिछिलनापन है। और रामायण सैकड़ों वर्ष पहले ही जो कि बताई जाती है और आदि पुरुष देखकर लगता है कि वो कहानी आज घट रही है और यूपी या दिल्ली के इसी इलाके में मुझे उस भाषा से कोई समस्या नहीं और तमाम जो कि खामियों के बावजूद मुझे ओवरऑल फिल्म जो कि इंटरटेनिंग लगी क्योंकि मैं थिएटर में पूजा आर्ट या जो कि धार्मिक भावनाओं के साथ नहीं गया था और पिक्चर देखने गया था और मेरा जो कि पॉइंट बस यही है। और इन जो कि पछड़ों में भगवान को मत जो कि इन्वॉल्व करिए या अपने भगवान के नाम पर जो कि सटीस रिजर्व करवा दी और फूल माला चढ़ा दिया और पिक्चर ऐसी बना दी जिसमें देखने के जो कि नास्तिक लोगों की भी झमकिया भावनाएं अहत हो गई। और इसी सीन में फिल्म की जो कि तथा तम जो कि छुट्टी भी पकड़ी जाती है और जब हनुमान उनकी राम की जो कि अंगूठी देते हैं तो बदले में जानकी उन्हें अपना जो कि कंगन निकाल कर देती है जबकि असल में ऐसा था कि सीता ने हनुमान को जो कि अपनी जो कि चूड़िया मड़ी दिया था और चूड़िया मड़ी एक जो कि ज्वेलरी होती है जो महिलाएं बालों में पहनती है और हेयर जो कि क्लीनिंग पिन जैसा कुछ मगर मेकर्स को चूड़ा पहना कर लगा दिया और ये कंगना जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। और आदि पुरुष पहली बार जो कि अपने जो कि टेक्नल पर्च की जो कि वजह से जो कि खबरों में आई और टीजर के बाद लोगों ने जो कि शिकायत की कि ये बीएफएक्स में मेकर्स ने समस्या लिया, बोले बीएफएक्स को सुधार कर पिक्चर रिलीज़ करें और पिक्चर देखने के ये बात पता चला कि मेकर्स ने जो कि बीएफएक्स में कुछ सुधार ही नहीं किया और टीजर में एक्ट्रेस की जो कि शक्लें काफ़ी जो कि कंप्यूटर जो कि जनरेट लग रही थी और उन्होंने बस उसी ठीक कर दिया। और इसमें फिल्म में जो कि बंदर जैसे दिख रहे जो कि अगर उन्हें सवाल वाले बंदर देख लें तो कांप जाएं और रावण की पूरी सेना गेम जो कि ऑफ थ्रोन वाले जो कि नाइट वर्क्स सी लगती है और इसमें कुछ जो कि थैनोस जैसे दिखने वाले लोग भी हैं और जो कि गुरीब और बाली ने जो कि अपने गले में एक माला पहनी हुई है जो ब्लैक पत्थर की जो कि नकल है। आदि पुरुष में जो कि एक सीन जहां राम और रावण की सेनाएं जो कि युद्ध भूमि में आमने सामने हैं, थोड़ी जो कि छिटपुट जो कि लड़ाई चल रही है और यहां पर जो कि राम लक्ष्मण सुग्रीव और जमवत और हनुमान गोल घेरा बनाकर खड़े हैं और कैमरा एक गोल चक्कर मारता है और सबकी झलक कैद करता है। और ये सीन 2012 में आई पहले जो कि द एवेंजर्स ने उठाया था और नीचे लगे वीडियो में 2:24 पर जो कि वो सीन आप देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म में दो चीज़ें ऐसी चीज़ हैं जो इस फिल्म में थोड़ी बहुत देखने के लायक बनती हैं और एकदम जो कि सरतल में जाने से बचने की कोशिश करती है और आवाज तो अजय अतुल का बनाया है और जय श्री राम गाना और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में अपने कई कमज़ोर सीन में जो कि बैकग्राउंड स्कोर की मदद लेती है। और दूसरी चीज़
सैफ अली खान जो कि रावण के जो कि भरपूर खतरनाक और जो कि डरावना बनते हैं, कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सफल हो जाते हैं, और मगर फिल्म उन्हें जो कि लेट डाउन करती है। तो एक रावण के किरदार में जो कि हाइट फिल्म में दिखने वाले जो कि अन्य सभी किरदारों से ज़्यादा, वो जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रावण किसी वीडियो गेम का हिस्सा है और उनके हिस्से जो कि घिरे हुए डायलॉग्स आए और प्लास को जो कि कई जो कि मैकों पर जो कि अजीबोगरीब जो कि आवाज़ें निकालते सुनाई देते हैं। और कीर्ति सेनन के पास जो कि करने को ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि फिल्म शुरू होने के आधे घंटे के भीतर रावण जानकी को जो कि किडनैप कर लेता है और उसके बाद जो कि अशोक वाटिका में राघव का इंतज़ार कर रही होती है जो तीन गानों में दिखती है। अगर उन्हें मौके मिलते तो वो फिर फिल्म को बेहतर बनाने में ज़रूर मददगार साबित होती। राम के किरदार में प्रभास नहीं जचे और फिल्म में जो कि बॉमी जो कि शिकल भी उनके चेहरे पर कोई जो कि भाव नज़र नहीं आता। और इतना ही नहीं, इनका आत्मा कर्तमा राम के जो कि किरदार पर शूट नहीं करती और जितनी फिल्म में जो कि लाद दी है और प्रभास को देखकर ऐसा लगता है कि वो बाहुबली जो कि हैंगओवर से ही निकल नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण के किरदार में सनी शर्मा ऐसे लगते हैं मानो वो मन में जो कि स्वीकार कर चुके हैं और वो भी जो कि ये इनकी फिल्म है और वो प्रभास के जो कि सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं। और देवदास जो कि नागे ने हनुमान का किरदार निभाया है और वो जो कि शारीरिक रूप से जो कि इस किरदार पर पूरी तरह से सूट करते हैं और इस फिल्म में उनके हिस्से जो कॉमेडी वाले सीन रखे गए हैं वो भले ही वो जो कि फिल्म पर शूट नहीं कर पा रहे हैं मगर नागे उसमें अच्छे लगते हैं। आदि पुरुष को नए जमाने में की रामायण के तौर पर जो कि पेश करने की कोशिश की गई है मगर वो चीज़ बिल्कुल भी उस दिशा में नहीं जा पाई और कुल जमा बात ये आदि पुरुष में देखने के लायक कुछ नहीं है क्योंकि बहुत ही कुछ दिखाई नहीं देता है और अंधेरी लगती है। ऐसा लगता है कि आदि पुरुष को जो कि DC ने बनाया है और ये फिर फिल्म जो कि अपनी जो कि कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है और आदि पुरुष का जो कि औसत से नीचे ही फिल्म है जिसे आप नहीं देखते तब ज़्यादा कुछ मिस करने का मतलब नहीं करेगा। दोस्तों इसी तरीके से जो कि फिल्म का रिव्यू हमें देखने को मिलता है। वहीं आप लोगों को बता दें अगर आप लोगों को आदि पुरुष देखनी है तो आप लोग आदि पुरुष को नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर जाकर बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर थे ओम रावत जिन्होंने जो कि अजय देवगन के साथ जो कि तानाजी जैसी फिल्में बना चुके हैं। वहीं ओम रावत भी नज़र आए थे जो कि उन्होंने जो कि इस फिल्म पर कोई अच्छे से काम नहीं किया और फिल्म में प्रभास, सैफ अली खान, कीर्ति सेनन, सनी सिंह और जो कि देवदत्ता नागे जैसे कलाकार फिल्म में देखने को मिले। और वहीं फिल्म को 16 जून को यानी 2023 में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का बजट लगभग 700 करोड़ रुपए था और फिल्म ने टोटल कमाई 350 करोड़ रुपए कमाए और फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई और इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में बनाया गया था। लेकिन फिल्म जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी, जिस तरीके से इसका हवा बवा उड़ा हुआ था उसे पर यह खरी नहीं उतरी। तो दोस्तों क्या आप लोगों को फिल्म पसंद आई या नहीं, अपनी राय हमें जरूर दीजिए। जानिए इस वीडियो के माध्यम से आदि पुरुष फिल्म की कहानी और रिव्यू और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं कि आप भी जो कि फिल्म की कहानी को समझिए कि आखिर जो कि आदि पुरुष जो कि कौन सी इस कहानी पर बनाई गई है, क्या जो उस वक्त के दौर में जो रामायण आई थी क्या उसी पर आधारित है या कुछ चेंजिंग है। और आप लोगों को बताते हैं कि आप इस फिल्म को कहां पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं और हमने जो भी रामायण में देखी है या पढ़ी है उसमें रामायण और हनुमान समेत तमाम किरदार जो कि ज्ञानी समझदार जो कि टाइप के लोग हैं और कम लोग बोलते हैं कि कम का जो कि बोलते हैं और जो कि सब साधारण भाषाओं में बात करते हैं मगर ये सब कुछ जो कि इन जो कि फॉर्मूल है और जो कि छिछिलनापन है और रामायण सैकड़ों वर्ष पहले ही जो कि बताई जाती है और आदि पुरुष देखकर लगता है कि वो कहानी आज घट रही है और यूपी या दिल्ली के इसी इलाके में मुझे उस भाषा से कोई समस्या नहीं और तमाम जो कि खामियों के बावजूद मुझे ओवरऑल फिल्म जो कि इंटरटेनिंग लगी क्योंकि मैं थिएटर में पूजा आर्ट या जो कि धार्मिक भावनाओं के साथ नहीं गया था और पिक्चर देखने गया था और मेरा जो कि पॉइंट बस यही है। और इन जो कि पछड़ों में भगवान को मत जो कि इन्वॉल्व करिए या अपने भगवान के नाम पर जो कि सटीस रिजर्व करवा दी और फूल माला चढ़ा दिया और पिक्चर ऐसी बना दी जिसमें देखने के जो कि नास्तिक लोगों की भी झमकिया भावनाएं अहत हो गई और इसी सीन में फिल्म की जो कि
तथा तम जो कि छुट्टी भी पकड़ी जाती है। और जब हनुमान उनकी राम के जो कि अंगूठी देते हैं तो बदले में जानकी उन्हें अपना जो कि कंगन निकाल कर देती है, जबकि असल में ऐसा था कि सीता ने हनुमान को जो कि अपनी जो कि चूड़िया मड़ी दिया था। और चूड़िया मड़ी एक जो कि ज्वेलरी होती है जो महिलाएं बालों में पहनती है, और हेयर जो कि क्लीनिंग पिन जैसा कुछ मगर मेकर्स को चूड़ा पहना कर लगा दिया, और ये कंगना जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। और आदि पुरुष पहली बार जो कि अपने जो कि टेक्नल पर्च की जो कि वजह से जो कि खबरों में आई, और टीजर के बाद लोगों ने जो कि शिकायत की कि ये VFX में मेकर्स ने समस्या लिया, बोले VFX को सुधार कर पिक्चर रिलीज़ करें। और पिक्चर देखने के ये बात पता चला कि मेकर्स ने जो कि VFX में कुछ सुधार ही नहीं किया, और टीजर में एक्ट्रेस की जो कि शक्लें काफ़ी जो कि कंप्यूटर जो कि जनरेट लग रही थी, और उन्होंने बस उसी ठीक कर दिया। और इसमें फिल्म में जो कि बंदर जैसे दिख रहे, जो कि अगर उन्हें सवाल वाले बंदर देख लें तो कांप जाएं। और रावण की पूरी सेना गेम जो कि ऑफ थ्रोन वाले जो कि नाइट वर्क्स सी लगती है, और इसमें कुछ जो कि थैनोस जैसे दिखने वाले लोग भी हैं, और जो कि गुरीब और बाली ने जो कि अपने गले में एक माला पहनी हुई है जो ब्लैक पत्थर की जो कि नकल है। आदि पुरुष में जो कि एक सीन जहां राम और रावण की सेनाएं जो कि युद्ध भूमि में आमने सामने हैं, थोड़ी जो कि छिटपुट जो कि लड़ाई चल रही है, और यहां पर जो कि राम लक्ष्मण सुग्रीव और जमवत और हनुमान गोल घेरा बनाकर खड़े हैं, और कैमरा एक गोल चक्कर मारता है और सबकी झलक कैद करता है। और ये सीन 2012 में आई पहले जो कि द एवेंजर्स ने उठाया था, और नीचे लगे वीडियो में 2:24 पर जो कि वो सीन आप देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म में दो चीज़ें ऐसी चीज़ हैं जो इस फिल्म में थोड़ी बहुत देखने के लायक बनती हैं और एकदम जो कि सरतल में जाने से बचने की कोशिश करती हैं, और आवाज़ तो अजय अतुल का बनाया है, और जय श्री राम गाना और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में अपने कई कमज़ोर सीन में जो कि बैकग्राउंड स्कोर की मदद लेती है। और दूसरी चीज़ सैफ अली खान जो कि रावण की जो कि भरपूर खतरनाक और जो कि डरावना बनते हैं, कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सफल हो जाते हैं, और मगर फिल्म उन्हें जो कि लेट डाउन करती है। तो एक रावण के किरदार में जो कि हाइट फिल्म में दिखने वाले जो कि अन्य सभी किरदारों से ज़्यादा, वो जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रावण किसी वीडियो गेम का हिस्सा है, और उनके हिस्से जो कि घिरे हुए डायलॉग्स आए, और प्लास को जो कि कई जो कि मैकों पर जो कि अजीबोगरीब जो कि आवाज़ें निकालते सुनाई देते हैं। और कीर्ति सेनन के पास जो कि करने को ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि फिल्म शुरू होने के आधे घंटे के भीतर रावण जानकी को जो कि किडनैप कर लेता है, और उसके बाद जो कि अशोक वाटिका में राघव का इंतजार कर रही होती है जो 3 गानों में दिखती है। अगर उन्हें मौके मिलते तो वो फिर फिल्म को बेहतर बनाने में ज़रूर मददगार साबित होती। राम के किरदार में प्रभास नहीं जचे, और फिल्म में जो कि बॉमी जो कि शिकल ही उनके चेहरे पर कोई जो कि भाव नज़र नहीं आता, और इतना ही नहीं इनका आत्मा कर्तमा राम के जो कि किरदार पर शूट नहीं करती। और जितनी फिल्म में जो कि लाद दी है, और प्रभास को देखकर ऐसा लगता है कि वो बाहुबली जो कि हैंगओवर से ही निकल नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण के किरदार में सनी शर्मा ऐसे लगते हैं मानो वो मन में जो कि स्वीकार कर चुके हैं, और वो भी जो कि ये इनकी फिल्म है, और वो प्रभास के जो कि सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं। और देवदास जो कि नागे ने हनुमान का किरदार निभाया है, और वो जो कि शारीरिक रूप से जो कि इस किरदार पर पूरी तरह से सूट करते हैं, और इस फिल्म में उनके हिस्से जो कॉमेडी वाले सीन रखे गए हैं वो भले ही वो जो कि फिल्म पर शूट नहीं कर पा रहे हैं मगर नागे उसमें अच्छे लगते हैं। आदि पुरुष को नए जमाने में की रामायण के तौर पर जो कि पेश करने की कोशिश की गई है मगर वो चीज़ बिल्कुल भी उस दिशा में नहीं जा पाई, और कुल जमा बात ये आदि पुरुष में देखने के लायक कुछ नहीं है क्योंकि बहुत ही कुछ दिखाई नहीं देता है और अंधेरी लगती है। ऐसा लगता है कि आदि पुरुष को जो कि DC ने बनाया है, और ये फिर फिल्म जो कि अपनी जो कि कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, और आदि पुरुष का जो कि औसत से नीचे ही फिल्म है जिसे आप नहीं देखते तब ज़्यादा कुछ मिस करने का मतलब नहीं करेगा। दोस्तों इसी तरीके से जो कि फिल्म का रिव्यू हमें देखने को मिलता है। वहीं आप लोगों को बता दें अगर आप लोगों को आदि पुरुष देखनी है तो आप लोग आदि पुरुष को नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर जाकर बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर थे ओम रावत, जिन्होंने जो कि अजय देवगन के साथ जो कि तानाजी जैसी फिल्में बना चुके हैं। वहीं ओम रावत भी नज़र आए थे
जो कि उन्होंने जो कि इस फिल्म पर कोई अच्छे से काम नहीं किया। और फिल्म में प्रभास, सैफ अली खान, कृति सनन, सनी सिंह और जो कि देवदत्ता नागे जैसे कलाकार फिल्म में देखने को मिले। और वहीं फिल्म को 16 जून को यानी 2023 में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का बजट लगभग 700 करोड़ रुपए था और फिल्म ने टोटल कमाई 350 करोड़ रुपए कमाए और फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। और इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में बनाया गया था, लेकिन फिल्म जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी, जिस तरीके से इसका हवा बवा उड़ा हुआ था, उसे पर यह खरी नहीं उतरी। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को फिल्म पसंद आई या नहीं, अपनी राय हमें जरूर दीजिए। जानिए इस वीडियो के माध्यम से आदि पुरुष फिल्म की कहानी और रिव्यू। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं कि आप भी जो कि फिल्म की कहानी को समझिए कि आखिर जो कि आदि पुरुष जो कि कौन सी इस कहानी पर बनाई गई है, क्या जो उस वक्त के दौर में जो रामायण आई थी क्या उसी पर आधारित है या कुछ चेंजिंग है। और आप लोगों को बताते हैं कि आप इस फिल्म को कहां पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हमने जो भी रामायण में देखी है या पढ़ी है, उसमें रामायण और हनुमान समेत तमाम किरदार जो कि ज्ञानी समझदार जो कि टाइप के लोग हैं और कम लोग बोलते हैं कि कम का जो कि बोलते हैं और जो कि सब साधारण भाषाओं में बात करते हैं, मगर ये सब कुछ जो कि इन जो कि फॉर्मल है और जो कि छिछिल्लापन है। और रामायण सैकड़ों वर्ष पहले ही जो कि बताई जा चुकी है और आदि पुरुष देखकर लगता है कि वो कहानी आज घट रही है। और यूपी या दिल्ली के इसी इलाके में मुझे उस भाषा से कोई समस्या नहीं और तमाम जो कि खामियों के बावजूद मुझे ओवरऑल फिल्म जो कि इंटरटेनिंग लगी, क्योंकि मैं थिएटर में पूजा आर्ट या जो कि धार्मिक भावनाओं के साथ नहीं गया था और पिक्चर देखने गया था। और मेरा जो कि पॉइंट बस यही है और इन जो कि पछड़ों में भगवान को मत जो कि इन्वॉल्व करिए, ये अपने भगवान के नाम पर जो कि सर्टिस रिजर्व करवा दी और फूल माला चढ़ा दिया और पिक्चर ऐसे बना दी जिसमें देखने के जो कि नास्तिक लोगों की भी झमकिया भावनाएं अहत हो गई। और इसी सीन में फिल्म की जो कि तथा तम जो कि छुट्टी भी पकड़ी जाती है और जब हनुमान उनकी राम के जो कि अंगूठी देते हैं तो बदले में जानकी उन्हें अपना जो कि कंगन निकाल कर देती है, जबकि असल में ऐसा था कि सीता ने हनुमान को जो कि अपनी जो कि चूड़िया मणि दिया था। और चूड़िया मणि एक जो कि ज्वेलरी होती है जो महिलाएं बालों में पहनती है और हेयर जो कि क्लीनिंग पिन जैसा कुछ, मगर मेकर्स को चूड़ा पहना कर लगा दिया और ये कंगना जैसी कोई चीज नहीं होगी। और आदि पुरुष पहली बार जो कि अपने जो कि टेक्नल पर्च की जो कि वजह से जो कि खबरों में आई और टीजर के बाद लोगों ने जो कि शिकायत की ये VFX में मेकर्स ने समस्या लिया, बोले VFX को सुधार कर पिक्चर रिलीज करें। और पिक्चर देखने के ये बात पता चला कि मेकर्स ने जो कि VFX में कुछ सुधार ही नहीं किया और टीजर में एक्टर्स की जो कि शक्लें काफ़ी जो कि कंप्यूटर जो कि जनरेट लग रही थी और उन्होंने बस उसे ठीक कर दिया। और इसमें फिल्म में जो कि बंदर जैसे दिख रहे जो कि अगर उन्हें सवाल वाले बंदर देख लें तो कांप जाए। और रावण की पूरी सेना गेम जो कि ऑफ थ्रोन वाले जो कि नाइट वर्क्स से लगती है और इसमें कुछ जो कि थैनोस जैसे दिखने वाले लोग भी हैं और जो कि गुरीब और बाली ने जो कि अपने गले में एक माला पहनी हुई है जो ब्लैक पत्थर की जो कि नकल है। आदि पुरुष में जो कि एक सीन जहां राम और रावण की सेनाएं जो कि युद्ध भूमि में आमने सामने हैं, थोड़ी जो कि छिटपुट जो कि लड़ाई चल रही है और यहां पर जो कि राम लक्ष्मण सुग्रीव और जमवत और हनुमान गोल घेरा बनाकर खड़े हैं और कैमरा एक गोल चक्कर मारता है और सबकी झलक कैद करता है। और ये सीन 2012 में आई पहले जो कि द एवेंजर्स ने उठाया था और नीचे लगे वीडियो में 2:24 पर जो कि वो सीन आप देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म में दो चीज़ें ऐसी चीज़ हैं जो इस फिल्म में थोड़ी बहुत देखने के लायक बनती हैं और एकदम जो कि सरतल में जाने से बचने की कोशिश करती हैं। और आवाज तो अजय अतुल का बनाया है और जय श्री राम गाना और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में अपने कई कमजोर सीन में जो कि बैकग्राउंड स्कोर की मदद लेती हैं। और दूसरी चीज सैफ अली खान जो कि रावण के जो कि भरपूर खतरनाक और जो कि डरावना बनते हैं, कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सफल हो जाते हैं और मगर फिल्म उन्हें जो कि लेट डाउन करती है। तो एक रावण के किरदार में जो कि हाइट फिल्म में दिखने वाले जो कि अन्य सभी किरदारों से ज़्यादा वो जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रावण किसी वीडियो गेम का हिस्सा है और उनके हिस्से जो कि घिरे हुए डायलॉग्स आए और प्लास को जो कि कई जो कि मैकों पर जो कि अजीब
अजीबोगरीब जो कि आवाज़ें निकालते सुनाई देते हैं। और कीर्ति सेनन के पास जो कि करने को ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि फिल्म शुरू होने के आधे घंटे के भीतर रावण जानकी को जो कि किडनैप कर लेता है, और उसके बाद जो कि अशोक वाटिका में राघव का इंतजार कर रही होती है, जो 3 गानों में दिखती है। अगर उन्हें मौके मिलते तो वो फिर फिल्म को बेहतर बनाने में जरूर मददगार साबित होती। राम के किरदार में प्रभास नहीं जैसे, और फिल्म में जो कि बॉमी जो कि शिकल भी उनके चेहरे पर कोई जो कि भाव नज़र नहीं आता। और इतना ही नहीं, इनका आत्मा कर्तमा राम के जो कि किरदार पर शूट नहीं करती, और जितनी फिल्म में जो कि लाद दी हैं, और प्रभास को देखकर ऐसा लगता है कि वो बाहुबली जो कि हैंगओवर से ही निकल नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण के किरदार में सनी शर्मा ऐसे लगते हैं मानो वो मन में जो कि स्वीकार कर चुके हैं, और वो भी जो कि ये इनकी फिल्म है, और वो प्रभास के जो कि सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं। और देवदास जो कि नागे ने हनुमान का किरदार निभाया है, और वो जो कि शारीरिक रूप से जो कि इस किरदार पर पूरी तरह से सूट करते हैं। और इस फिल्म में उनके हिस्से जो कॉमेडी वाले सीन रखे गए हैं, वो भले ही वो जो कि फिल्म पर शूट नहीं कर पा रहे हैं, मगर नागे उसमें अच्छे लगते हैं। आदि पुरुष को नए जमाने में की रामायण के तौर पर जो कि पेश करने की कोशिश की गई है, मगर वो चीज़ बिल्कुल भी उस दिशा में नहीं जा पाई, और कुल जमा बात ये आदि पुरुष में देखने के लायक कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत ही कुछ दिखाई नहीं देता है और अंधेरी लगती है। ऐसा लगता है कि आदि पुरुष को जो कि DC ने बनाया है, और ये फिर फिल्म जो कि अपनी जो कि कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, और आदि पुरुष का जो कि औसत से नीचे ही फिल्म है, जिसे आप नहीं देखते तब ज़्यादा कुछ मिस करने का मतलब नहीं करेगा। दोस्तों, इसी तरीके से जो कि फिल्म का डेब्यू हमें देखने को मिलता है। वहीं आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों को आदि पुरुष देखनी है तो आप लोग आदि पुरुष को नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर जाकर बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर थे ओम रावत, जिन्होंने जो कि अजय देवगन के साथ जो कि तानाजी जैसी फिल्में बना चुके हैं। वहीं ओम रावत भी नजर आए थे, जो कि उन्होंने जो कि इस फिल्म पर कोई अच्छे से काम नहीं किया, और फिल्म में प्रभास, सैफ अली खान, कीर्ति सेनन, सनी सिंह और जो कि देवदत्ता नागे जैसे कलाकार फिल्म में देखने को मिले। और वहीं फिल्म को 16 जून को यानी 2023 में रिलीज किया गया था। फिल्म का बजट लगभग 700 करोड़ रुपए था, और फिल्म ने टोटल कमाई 350 करोड़ रुपए कमाए, और फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। और इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में बनाया गया था, लेकिन फिल्म जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी, जिस तरीके से इसका हवा उड़ा हुआ था, उसे पर ये खरी नहीं उतरी। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को फिल्म पसंद आई या नहीं, अपनी राय हमें जरूर दीजिए। जानिए इस वीडियो के माध्यम से आदि पुरुष फिल्म की कहानी और रिव्यू, और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं कि आप भी जो कि फिल्म की कहानी को समझिए कि आखिर जो कि आदि पुरुष जो कि कौन सी इस कहानी पर बनाई गई है, क्या जो उस वक्त के दौर में जो रामायण आई थी क्या उसी पर आधारित है या कुछ चेंजिंग है, और आप लोगों को बताते हैं कि आप इस फिल्म को कहां पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हमने जो भी रामायण में देखी है या पढ़ी है, उसमें रामायण और हनुमान समेत तमाम किरदार जो कि ज्ञानी समझदार जो कि टाइप के लोग हैं, और कम लोग बोलते हैं कि कम का जो कि बोलते हैं, और जो कि सब साधारण भाषाओं में बात करते हैं, मगर ये सब कुछ जो कि इन जो कि फॉर्मूला है, और जो कि छिछिलनापन है, और रामायण सैकड़ों वर्ष पहले ही जो कि बताई जाती है, और आदि पुरुष देखकर लगता है कि वो कहानी आज घट रही है, और यूपी या दिल्ली के इसी इलाके में मुझे उस भाषा से कोई समस्या नहीं, और तमाम जो कि खामियों के बावजूद मुझे ओवरऑल फिल्म जो कि इंटरटेनिंग लगी, क्योंकि मैं थिएटर में पूजा आर्ट या जो कि धार्मिक भावनाओं के साथ नहीं गया था और पिक्चर देखने गया था, और मेरा जो कि पॉइंट बस यही है, और इन जो कि पछड़ों में भगवान को मत जो कि इन्वॉल्व करिए, या अपने भगवान के नाम पर जो कि सटीस रिजर्व करवा दी और फूल माला चढ़ा दिया और पिक्चर ऐसी बना दी जिसमें देखने के जो कि नास्तिक लोगों की भी झमकिया भावनाएं अहत हो गई। और इसी सीन में फिल्म की जो कि तथातम जो कि छुट्टी भी पकड़ी जाती है, और जब हनुमान उनकी राम के जो कि अंगूठी देते हैं तो बदले में जानकी उन्हें अपना जो कि कंगन निकाल कर देती है, जबकि असल में ऐसा था कि सीता ने हनुमान को जो कि अपनी जो कि चूड़ियाँ मड़ी दिया था, और चूड़ियाँ मड़ी एक जो कि ज्वेलरी होती है जो महिलाएं बालों में पहनती है, और हेयर जो कि क्लीनिंग पिन जैसा कुछ, मगर मेकर्स को चूड़ा पहना कर लगा दिया, और ये कंगना जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। और आदि पुरुष पहली बार जो कि अपने जो कि टेक्नल
स्पर्श की जो कि वजह से जो कि खबरों में आई, और टीजर के बाद लोगों ने जो कि शिकायत की कि ये VFX में मेकर्स ने समस्या लिया, बोले VFX को सुधार कर पिक्चर रिलीज करें। और पिक्चर देखने के ये बात पता चला कि मेकर्स ने जो कि VFX में कुछ सुधार ही नहीं किया, और टीजर में एक्ट्रेस की जो कि शक्लें काफ़ी जो कि कंप्यूटर जो कि जनरेट लग रही थी, और उन्होंने बस उसी ठीक कर दिया। और इसमें फिल्म में जो कि बंदर जैसे दिख रहे, जो कि अगर उन्हें सवाल वाले बंदर देख लें तो कांप जाएं। और रावण की पूरी सेना गेम जो कि ऑफ थ्रोन वाले जो कि नाइट वर्क्स सी लगती है, और इसमें कुछ जो कि थैनोस जैसे दिखने वाले लोग भी हैं, और जो कि ग्रीव और बाली ने जो कि अपने गले में एक माला पहनी हुई है जो ब्लैक पत्थर की जो कि नकल है। आदि पुरुष में जो कि एक सीन जहां राम और रावण की सेनाएं जो कि युद्ध भूमि में आमने सामने हैं, थोड़ी जो कि छिटपुट जो कि लड़ाई चल रही है, और यहां पर जो कि राम लक्ष्मण सुग्रीव और जमवत और हनुमान गोल घेरा बनाकर खड़े हैं, और कैमरा एक गोल चक्कर मारता है और सबकी झलक कैद करता है। और ये सीन 2012 में आई पहले जो कि द एवेंजर्स ने उठाया था, और नीचे लगे वीडियो में 2:24 पर जो कि वो सीन आप देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म में दो चीज़ें ऐसी चीज़ हैं जो इस फिल्म में थोड़ी बहुत देखने के लायक बनती हैं और एकदम जो कि सरतल में जाने से बचने की कोशिश करती है। और आवाज तो अजय अतुल का बनाया है, और जय श्री राम गाना और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में अपने कई कमज़ोर सीन में जो कि बैकग्राउंड स्कोर की मदद लेती है। और दूसरी चीज़ सैफ अली खान जो कि रावण के जो कि भरपूर खतरनाक और जो कि डरावना बनते हैं कोशिश करते हैं, और काफ़ी हद तक इसमें सफल हो जाते हैं, और मगर फिल्म उन्हें जो कि लेट डाउन करती है। तो एक रावण के किरदार में जो कि हाइट फिल्म में दिखने वाले जो कि अन्य सभी किरदारों से ज़्यादा, वो जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रावण किसी वीडियो गेम का हिस्सा है, और उनके हिस्से जो कि घिरे हुए डायलॉग्स आए, और प्लास को जो कि कई जो कि मैकों पर जो कि अजीबोगरीब जो कि आवाज़ें निकालते सुनाई देते हैं। और कीर्ति सेनन के पास जो कि करने को ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि फिल्म शुरू होने के आधे घंटे के भीतर रावण जानकी को जो कि किडनैप कर लेता है, और उसके बाद जो कि अशोक वाटिका में राघव का इंतजार कर रही होती है जो 3 गानों में दिखती है। अगर उन्हें मौके मिलते तो वो फिर फिल्म को बेहतर बनाने में ज़रूर मददगार साबित होती। राम के किरदार में प्रभास नहीं जचे, और फिल्म में जो कि बॉमी जो कि शिकल ही उनके चेहरे पर कोई जो कि भाव नज़र नहीं आता। और इतना ही नहीं, इनका आत्मा कर्तमा राम के जो कि किरदार पर शूट नहीं करती, और जितनी फिल्म में जो कि लाद दी है, और प्रभास को देखकर ऐसा लगता है कि वो बाहुबली जो कि हैंगओवर से ही निकल नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण के किरदार में सनी शर्मा ऐसे लगते हैं मानो वो मन में जो कि स्वीकार कर चुके हैं, और वो भी जो कि ये इनकी फिल्म है, और वो प्रभास के जो कि सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं। और देवदात जो कि नागे ने हनुमान का किरदार निभाया है, और वो जो कि शारीरिक रूप से जो कि इस किरदार पर पूरी तरह से सूट करते हैं। और इस फिल्म में उनके हिस्से जो कॉमेडी वाले सीन रखे गए हैं वो भले ही वो जो कि फिल्म पर शूट नहीं कर पा रहे हैं, मगर नागे उसमें अच्छे लगते हैं। आदि पुरुष को नए जमाने में की रामायण के तौर पर जो कि पेश करने की कोशिश की गई है, मगर वो चीज़ बिल्कुल भी उस दिशा में नहीं जा पाई, और कुल जमा बात ये आदि पुरुष में देखने के लायक कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत ही कुछ दिखाई नहीं देता है और अंधेरी लगती है। ऐसा लगता है कि आदि पुरुष को जो कि DC ने बनाया है, और ये फिर फिल्म जो कि अपनी जो कि कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, और आदि पुरुष का जो कि औसत से नीचे ही फिल्म है जिसे आप नहीं देखते तब ज़्यादा कुछ मिस करने का मतलब नहीं करेगा। दोस्तों इसी तरीके से जो कि फिल्म का रिव्यू हमें देखने को मिलता है। वहीं आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों को आदि पुरुष देखनी है तो आप लोग आदि पुरुष को नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर जाकर बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर थे ओम रावत, जिन्होंने जो कि अजय देवगन के साथ जो कि तानाजी जैसी फिल्में बना चुके हैं। वहीं ओम रावत भी नज़र आए थे जो कि उन्होंने जो कि इस फिल्म पर कोई अच्छे से काम नहीं किया, और फिल्म में प्रभास, सैफ अली खान, कीर्ति सेनन, सनी सिंह और जो कि देवदत्ता नागे जैसे कलाकार फिल्म में देखने को मिले। और वहीं फिल्म को 16 जून को यानी 2023 में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का बजट लगभग 700 करोड़ रुपए था, और फिल्म ने टोटल कमाई 350 करोड़ रुपए कमाए, और फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई, और
इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में बनाया गया था, लेकिन फिल्म जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी, जिस तरीके से इसका हवा बवा उड़ा हुआ था, उसे पर यह खरी नहीं उतरी। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को फिल्म पसंद आई या नहीं, अपनी राय हमें जरूर दीजिए। जानिए इस वीडियो के माध्यम से आदि पुरुष फिल्म की कहानी और रिव्यू, और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं कि आप भी जो कि फिल्म की कहानी को समझिए कि आखिर जो कि आदि पुरुष जो कि कौन सी इस कहानी पर बनाई गई है, क्या जो उस वक्त के दौर में जो रामायण आई थी क्या उसी पर आधारित है या कुछ चेंजिंग है, और आप लोगों को बताते हैं कि आप इस फिल्म को कहां पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हमने जो भी रामायण में देखी है या पढ़ी है, उसमें रामायण और हनुमान समेत तमाम किरदार जो कि ज्ञानी समझदार जो कि टाइप के लोगों हैं लोग हैं, और कम लोग बोलते हैं कि कम का जो कि बोलते हैं, और जो कि सब साधारण भाषाओं में बात करते हैं, मगर ये सब कुछ जो कि इन जो कि फॉर्मूल है और जो कि छिछिल्लापन है, और रामायण सैकड़ों वर्ष पहले ही जो कि बताई जाती है, और आदि पुरुष देखकर लगता है कि वो कहानी आज घट रही है, और यूपी या दिल्ली के इसी इलाके में मुझे उस भाषा से कोई समस्या नहीं, और तमाम जो कि खामियों के बावजूद मुझे ओवरऑल फिल्म जो कि इंटरटेनिंग लगी, क्योंकि मैं थिएटर में पूजा आर्ट या जो कि धार्मिक भावनाओं के साथ नहीं गया था और पिक्चर देखने गया था, और मेरा जो कि पॉइंट बस यही है। और इन जो कि पछड़ों में भगवान को मत जो कि इन्वॉल्व करिए, या अपने भगवान के नाम पर जो कि सटीस रिजर्व करवा दी और फूल माला चढ़ा दिया, और पिक्चर ऐसी बना दी जिसमें देखने के जो कि नास्तिक लोगों की भी झमकिया भावनाएं अहत हो गई। और इसी सीन में फिल्म की जो कि तथा तम जो कि छुट्टी भी पकड़ी जाती है, और जब हनुमान उनकी राम के जो कि अंगूठी देते हैं तो बदले में जानकी उन्हें अपना जो कि कंगन निकाल कर देती है, जबकि असल में ऐसा था कि सीता ने हनुमान को जो कि अपनी जो कि चूड़िया मड़ी दिया था, और चूड़िया मड़ी एक जो कि ज्वेलरी होती है जो महिलाएं बालों में पहनती है, और हेयर जो कि क्लीनिंग पिन जैसा कुछ, मगर मेकर्स को चूड़ा पहना कर लगा दिया, और ये कंगना जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। और आदि पुरुष पहली बार जो कि अपने जो कि टेक्नल पर्च की जो कि वजह से जो कि खबरों में आई, और टीजर के बाद लोगों ने जो कि शिकायत की कि ये बीएफएक्स में मेकर्स ने समस्या लिया, बोले बीएफएक्स को सुधार कर पिक्चर रिलीज़ करें, और पिक्चर देखने के ये बात पता चला कि मेकर्स ने जो कि बीएफएक्स में कुछ सुधार ही नहीं किया, और टीजर में एक्ट्रेस की जो कि शक्लें काफ़ी जो कि कंप्यूटर जो कि जनरेट लग रही थी, और उन्होंने बस उसी ठीक कर दिया। और इसमें फिल्म में जो कि बंदर जैसे दिख रहे, जो कि अगर उन्हें सवाल वाले बंदर देख लें तो कांप जाएं, और रावण की पूरी सेना गेम जो कि ऑफ थ्रोन वाले जो कि नाइट वर्क्स सी लगती है, और इसमें कुछ जो कि थैनोस जैसे दिखने वाले लोग भी हैं, और जो कि ग्रीव और बाली ने जो कि अपने गले में एक माला पहनी हुई है जो ब्लैक पत्थर की जो कि नकल है। आदि पुरुष में जो कि एक सीन जहाँ राम और रावण की सेनाएँ जो कि युद्ध भूमि में आमने सामने हैं, थोड़ी जो कि छिटपुट जो कि लड़ाई चल रही है, और यहाँ पर जो कि राम लक्ष्मण सुग्रीव और जमवत और हनुमान गोल घेरा बनाकर खड़े हैं, और कैमरा एक गोल चक्कर मारता है और सबकी झलक कैद करता है, और ये सीन 2012 में आई पहले जो कि द एवेंजर्स ने उठाया था, और नीचे लगे वीडियो में 2:24 पर जो कि वो सीन आप देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म में दो चीज़ें ऐसी चीज़ हैं जो इस फिल्म में थोड़ी बहुत देखने के लायक बनती हैं, और एकदम जो कि सरतल में जाने से बचने की कोशिश करती हैं, और आवाज तो अजय अतुल का बनाया है, और जय श्री राम गाना और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में अपने कई कमज़ोर सीन में जो कि बैकग्राउंड स्कोर की मदद लेती है। और दूसरी चीज़ सैफ अली खान जो कि रावण के जो कि भरपूर खतरनाक और जो कि ड्रामा बनते हैं कोशिश करते हैं, और काफ़ी हद तक इसमें सफल हो जाते हैं, और मगर फिल्म उन्हें जो कि लेट डाउन करती है, तो एक रावण के किरदार में जो कि हाइट फिल्म में दिखने वाले जो कि अन्य सभी किरदारों से ज़्यादा जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रावण किसी वीडियो गेम का हिस्सा है, और उनके हिस्से जो कि घिरे हुए डायलॉग्स आए, और प्लास को जो कि कई जो कि मैकों पर जो कि अजीबोगरीब जो कि आवाज़ें निकालते सुनाई देते हैं, और कीर्ति सेनन के पास जो कि करने को ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि फिल्म शुरू होने के आधे घंटे के भीतर रावण जानकी को जो कि किडनैप कर लेता है, और उसके बाद जो कि अशोक वाटिका में राघव का इंतज़ार कर रही होती है जो 3 गानों में दिखती है। अगर उन्हें मौके मिलते तो वो फिर फिल्म को बेहतर बनाने में ज़रूर मददगार साबित होती। राम के किरदार में प्रभास नहीं जचे, और फिल्म में जो कि
बॉमी जो कि शिकल भी उनके चेहरे पर कोई जो कि भाव नज़र नहीं आता। और इतना ही नहीं, इनका आत्मा कर्तमा राम के जो कि किरदार पर शूट नहीं करती। और जितनी फिल्म में जो कि लाद दी है और प्रभास को देखकर ऐसा लगता है कि वो बाहुबली जो कि हैंगओवर से ही निकल नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण के किरदार में सनी शर्मा ऐसे लगते हैं मानो वो मन में जो कि स्वीकार कर चुके हैं और वो भी जो कि ये इनकी फिल्म है और वो प्रभास के जो कि सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं। और देवदास जो कि नागे ने हनुमान का किरदार निभाया है और वो जो कि शारीरिक रूप से जो कि इस किरदार पर पूरी तरह से सूट करते हैं। और इस फिल्म में उनके हिस्से जो कॉमेडी वाले सीन रखे गए हैं वो भले ही वो जो कि फिल्म पर शूट नहीं कर पा रहे हैं मगर नागे उसमें अच्छे लगते हैं। आदि पुरुष को नए जमाने में की रामायण के तौर पर जो कि पेश करने की कोशिश की गई है मगर वो चीज़ बिल्कुल भी उस दिशा में नहीं जा पाई। और कुल जमा बात ये आदि पुरुष में देखने के लायक कुछ नहीं है क्योंकि बहुत ही कुछ दिखाई नहीं देता है और अंधेरी लगती है। ऐसा लगता है कि आदि पुरुष को जो कि DC ने बनाया है और ये फिर फिल्म जो कि अपनी जो कि कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है और आदि पुरुष का जो कि औसत से नीचे ही फिल्म है जिसे आप नहीं देखते तब ज़्यादा कुछ मिस करने का मतलब नहीं करेगा। दोस्तों इसी तरीके से जो कि फिल्म का रिव्यू हमें देखने को मिलता है। वहीं आप लोगों को बता दें अगर आप लोगों को आदि पुरुष देखनी है तो आप लोग आदि पुरुष को नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर जाकर बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर थे ओम रावत जिन्होंने जो कि अजय देवगन के साथ जो कि तानाजी जैसी फिल्में बना चुके हैं। वहीं ओम रावत भी नज़र आए थे जो कि उन्होंने जो कि इस फिल्म पर कोई अच्छे से काम नहीं किया और फिल्म में प्रभास, सैफ अली खान, कृति सनन, सनी सिंह और जो कि देवदत्ता नागे जैसे कलाकार फिल्म में देखने को मिले। और वहीं फिल्म को 16 जून को यानी 2023 में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का बजट लगभग 700 करोड़ रुपए था और फिल्म ने टोटल कमाई 350 करोड़ रुपए कमाए और फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। और इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में बनाया गया था लेकिन फिल्म जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी, जिस तरीके से इसका हवा बवा उड़ा हुआ था उसे पर यह खरी नहीं उतरी। तो दोस्तों क्या आप लोगों को फिल्म पसंद आई या नहीं अपनी राय हमें जरूर दीजिए। जानिए इस वीडियो के माध्यम से आदि पुरुष फिल्म की कहानी और रिव्यू। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं कि आप भी जो कि फिल्म की कहानी को समझिए कि आखिर जो कि आदि पुरुष जो कि कौन सी इस कहानी पर बनाई गई है, क्या जो उस वक्त के दौर में जो रामायण आई थी क्या उसी पर आधारित है या कुछ चेंजिंग है। और आप लोगों को बताते हैं कि आप इस फिल्म को कहां पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हमने जो भी रामायण में देखी है या पढ़ी है उसमें रामायण और हनुमान समेत तमाम किरदार जो कि ज्ञानी समझदार जो कि टाइप के लोग हैं और कम लोग बोलते हैं कि कम का जो कि बोलते हैं और जो कि सब साधारण भाषाओं में बात करते हैं मगर ये सब कुछ जो कि इन जो कि फॉर्मल है और जो कि छिछिल्लापन है। और रामायण सैकड़ों वर्ष पहले ही जो कि बताई जा चुकी है और आदि पुरुष देखकर लगता है कि वो कहानी आज घट रही है। और यूपी या दिल्ली के इसी इलाके में मुझे उस भाषा से कोई समस्या नहीं और तमाम जो कि खामियों के बावजूद मुझे ओवरऑल फिल्म जो कि इंटरटेनिंग लगी क्योंकि मैं थिएटर में पूजा आर्ट या जो कि धार्मिक भावनाओं के साथ नहीं गया था और पिक्चर देखने गया था। और मेरा जो कि पॉइंट बस यही है और इन जो कि पचड़ों में भगवान को मत जो कि इन्वॉल्व करिए या अपने भगवान के नाम पर जो कि सर्टिस रिजर्व करवा दी और फूल माला चढ़ा दिया और पिक्चर ऐसे बना दी जिसमें देखने के जो कि नास्तिक लोगों की भी झमकिया भावनाएं अहत हो गई। और इसी सीन में फिल्म की जो कि तथा तम जो कि छुट्टी भी पकड़ी जाती है और जब हनुमान उनकी राम के जो कि अंगूठी देते हैं तो बदले में जानकी उन्हें अपना जो कि कंगन निकाल कर देती है जबकि असल में ऐसा था कि सीता ने हनुमान को जो कि अपनी जो कि चूड़िया मड़ी दिया था और चूड़िया मड़ी एक जो कि ज्वेलरी होती है जो महिलाएं बालों में पहनती हैं और हेयर जो कि क्लीनिंग पिन जैसा कुछ मगर मेकर्स को चूड़ा पहना कर लगा दिया और ये कंगना जैसी कोई चीज नहीं होगी। और आदि पुरुष पहली बार जो कि अपने जो कि टेक्नल पर्च की जो कि वजह से जो कि खबरों में आई और टीजर के बाद लोगों ने जो कि शिकायत की ये VFX में मेकर्स ने समस्या लिया, बोले VFX को सुधार कर पिक्चर रिलीज करें और पिक्चर देखने के ये बात पता चला कि मेकर्स ने जो कि VFX में कुछ सुधार ही नहीं किया और टीजर में एक्टर्स की जो कि शक्लें काफ़ी जो कि कंप्यूटर जो कि जनरेट लग रही थी और उन्होंने बस उसे ठीक कर दिया। और इसमें फिल्म में जो कि बंदर जैसे
दिख रहे हैं, जो कि अगर उन्हें सवाल वाले बंदर देख लें तो कांप जाएं। और रावण की पूरी सेना गेम जो कि ऑफ थ्रोन वाले जो कि नाइट वर्क्स से लगती है, और इसमें कुछ जो कि थैनोस जैसे दिखने वाले लोग भी हैं, और जो कि गुरीब और बाली ने जो कि अपने गले में एक माला पहनी हुई है जो ब्लैक पत्थर की जो कि नकल है। आदि पुरुष में जो कि एक सीन जहां राम और रावण की सेनाएं जो कि युद्ध भूमि में आमने सामने हैं, थोड़ी जो कि छिटपुट जो कि लड़ाई चल रही है, और यहां पर जो कि राम लक्ष्मण सुग्रीव और जमवत और हनुमान गोल घेरा बनाकर खड़े हैं, और कैमरा एक गोल चक्कर मारता है और सबकी झलक कैद करता है। और ये सीन 2012 में आई पहले जो कि द एवेंजर्स ने उठाया था, और नीचे लगे वीडियो में 2:24 पर जो कि वो सीन आप देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म में दो चीज़ें ऐसी चीज़ हैं जो इस फिल्म में थोड़ी बहुत देखने के लायक बनती हैं और एकदम जो कि सरतल में जाने से बचने की कोशिश करती हैं, और आवाज़ तो अजय अतुल का बनाया है, और जय श्री राम गाना और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में अपने कई कमज़ोर सीन में जो कि बैकग्राउंड स्कोर की मदद लेती है। और दूसरी चीज़ सैफ अली खान जो कि रावण के जो कि भरपूर खतरनाक और जो कि डरावना बनते हैं कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सफल हो जाते हैं, और मगर फिल्म उन्हें जो कि लेट डाउन करती है। तो एक रावण के किरदार में जो कि हाइट फिल्म में दिखने वाले जो कि अन्य सभी किरदारों से ज़्यादा वो जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रावण किसी वीडियो गेम का हिस्सा है, और उनके हिस्से जो कि घिरे हुए डायलॉग्स आए और प्लास को जो कि कई जो कि मैकों पर जो कि अजीबोगरीब जो कि आवाज़ें निकालते सुनाई देते हैं। और कीर्ति सेनन के पास जो कि करने को ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि फिल्म शुरू होने के आधे घंटे के भीतर रावण जानकी को जो कि किडनैप कर लेता है, और उसके बाद जो कि अशोक वाटिका में राघव का इंतजार कर रही होती है जो 3 गानों में दिखती है। अगर उन्हें मौके मिलते तो वो फिर फिल्म को बेहतर बनाने में ज़रूर मददगार साबित होती। राम के किरदार में प्रभास नहीं जैसे, और फिल्म में जो कि बॉमी जो कि शिकल भी उनके चेहरे पर कोई जो कि भाव नज़र नहीं आता, और इतना ही नहीं इनका आत्मा कर्तमा राम के जो कि किरदार पर शूट नहीं करती, और जितनी फिल्म में जो कि लाद दी है, और प्रभास को देखकर ऐसा लगता है कि वो बाहुबली जो कि हैंगओवर से ही निकल नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण के किरदार में सनी शर्मा ऐसे लगते हैं मानो वो मन में जो कि स्वीकार कर चुके हैं, और वो भी जो कि ये इनकी फिल्म है, और वो प्रभास के जो कि सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं। और देवदास जो कि नागे ने हनुमान का किरदार निभाया है, और वो जो कि शारीरिक रूप से जो कि इस किरदार पर पूरी तरह से सूट करते हैं, और इस फिल्म में उनके हिस्से जो कॉमेडी वाले सीन रखे गए हैं वो भले ही वो जो कि फिल्म पर शूट नहीं कर पा रहे हैं मगर नागे उसमें अच्छे लगते हैं। आदि पुरुष को नए जमाने में की रामायण के तौर पर जो कि पेश करने की कोशिश की गई है मगर वो चीज़ बिल्कुल भी उस दिशा में नहीं जा पाई, और कुल जमा बात ये आदि पुरुष में देखने के लायक कुछ नहीं है क्योंकि बहुत ही कुछ दिखाई नहीं देता है और अंधेरी लगती है। ऐसा लगता है कि आदि पुरुष को जो कि DC ने बनाया है, और ये फिर फिल्म जो कि अपनी जो कि कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, और आदि पुरुष का जो कि औसत से नीचे ही फिल्म है जिसे आप नहीं देखते तब ज़्यादा कुछ मिस करने का मतलब नहीं करेगा। दोस्तों इसी तरीके से जो कि फिल्म का रिव्यू हमें देखने को मिलता है। वहीं आप लोगों को बता दें अगर आप लोगों को आदि पुरुष देखनी है तो आप लोग आदि पुरुष को नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर जाकर बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर थे ओम रावत, जिन्होंने जो कि अजय देवगन के साथ जो कि तानाजी जैसी फिल्में बना चुके हैं। वहीं ओम रावत भी नजर आए थे जो कि उन्होंने जो कि इस फिल्म पर कोई अच्छे से काम नहीं किया, और फिल्म में प्रभास, सैफ अली खान, कृति सनन, सनी सिंह और जो कि देवदत्ता नागे जैसे कलाकार फिल्म में देखने को मिले। और वहीं फिल्म को 16 जून को यानी 2023 में रिलीज किया गया था। फिल्म का बजट लगभग 700 करोड़ रुपए था और फिल्म ने टोटल कमाई 350 करोड़ रुपए कमाए, और फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई, और इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में बनाया गया था। लेकिन फिल्म जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी, जिस तरीके से इसका हवा उड़ा हुआ था उसे पर ये खरी नहीं उतरी। तो दोस्तों क्या आप लोगों को फिल्म पसंद आई या नहीं अपनी राय हमें जरूर दीजिए। जानिए इस वीडियो के माध्यम से आदि पुरुष फिल्म की कहानी और रिव्यू, और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं कि आप भी जो कि फिल्म की कहानी को समझिए कि आखिर जो कि आदि पुरुष जो कि कौन से इस कहानी पर बनाई गई है, क्या जो उस वक्त के दौर में जो रामायण आई थी क्या उसी पर आधारित है या कुछ चेंजिंग है।
और आप लोगों को बताते हैं कि आप इस फिल्म को कहां पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हमने जो भी रामायण में देखी है या पढ़ी है उसमें रामायण और हनुमान समेत तमाम किरदार जो कि ज्ञानी समझदार जो कि टाइप के लोगों हैं लोग हैं और कम लोग बोलते हैं कि कम का जो कि बोलते हैं और जो कि सब साधारण भाषाओं में बात करते हैं, मगर ये सब कुछ जो कि इन जो कि फॉर्मूल है और जो कि छिछिल्लापन है। और रामायण सैकड़ों वर्ष पहले ही जो कि बताई जाती है और आदि पुरुष देखकर लगता है कि वो कहानी आज घट रही है और यूपी या दिल्ली के इसी इलाके में मुझे उस भाषा से कोई समस्या नहीं और तमाम जो कि खामियों के बावजूद मुझे ओवरऑल फिल्म जो कि इंटरटेनिंग लगी, क्योंकि मैं थिएटर में पूजा आर्ट या जो कि धार्मिक भावनाओं के साथ नहीं गया था और पिक्चर देखने गया था और मेरा जो कि पॉइंट बस यही है। और इन जो कि पछड़ों में भगवान को मत जो कि इन्वॉल्व करिए, ये अपने भगवान के नाम पर जो कि सटीस रिजर्व करवा दी और फूल माला चढ़ा दिया और पिक्चर ऐसी बना दी जिसमें देखने के जो कि नास्तिक लोगों की भी झमकिया भावनाएं अहत हो गई। और इसी सीन में फिल्म की जो कि तथा तम जो कि छुट्टी भी पकड़ी जाती है और जब हनुमान उनकी राम के जो कि अंगूठी देते हैं तो बदले में जानकी उन्हें अपना जो कि कंगन निकाल कर देती है, जबकि असल में ऐसा था कि सीता ने हनुमान को जो कि अपनी जो कि चूड़िया मड़ी दिया था और चूड़िया मड़ी एक जो कि ज्वेलरी होती है जो महिलाएं बालों में पहनती है और हेयर जो कि क्लीनिंग पिन जैसा कुछ, मगर मेकर्स को चूड़ा पहना कर लगा दिया और ये कंगना जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। और आदि पुरुष पहली बार जो कि अपने जो कि टेक्नल पर्च की जो कि वजह से जो कि खबरों में आई और टीजर के बाद लोगों ने जो कि शिकायत की कि ये VFX में मेकर्स ने समस्या लिया, बोले VFX को सुधार कर पिक्चर रिलीज़ करें और पिक्चर देखने के ये बात पता चला कि मेकर्स ने जो कि VFX में कुछ सुधार ही नहीं किया और टीजर में एक्ट्रेस की जो कि शक्लें काफ़ी जो कि कंप्यूटर जो कि जनरेट लग रही थी और उन्होंने बस उसी ठीक कर दिया। और इसमें फिल्म में जो कि बंदर जैसे दिख रहे जो कि अगर उन्हें सवाल वाले बंदर देख लें तो कांप जाएं और रावण की पूरी सेना गेम जो कि ऑफ थ्रोन वाले जो कि नाइट वर्क्स सी लगती है और इसमें कुछ जो कि थैनोस जैसे दिखने वाले लोग भी हैं और जो कि गुरीब और बाली ने जो कि अपने गले में एक माला पहनी हुई है जो ब्लैक पत्थर की जो कि नकल है। आदि पुरुष में जो कि एक सीन जहां राम और रावण की सेनाएं जो कि युद्ध भूमि में आमने सामने हैं, थोड़ी जो कि छिटपुट जो कि लड़ाई चल रही है और यहां पर जो कि राम लक्ष्मण सुग्रीव और जमवत और हनुमान गोल घेरा बनाकर खड़े हैं और कैमरा एक गोल चक्कर मारता है और सबकी झलक कैद करता है। और ये सीन 2012 में आई पहले जो कि द एवेंजर्स ने उठाया था और नीचे लगे वीडियो में 2:24 पर जो कि वो सीन आप देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म में दो चीज़ें ऐसी चीज़ हैं जो इस फिल्म में थोड़ी बहुत देखने के लायक बनती हैं और एकदम जो कि सरतल में जाने से बचने की कोशिश करती हैं और आवाज़ तो अजय अतुल का बनाया है और जय श्री राम गाना और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में अपने कई कमज़ोर सीन में जो कि बैकग्राउंड स्कोर की मदद लेती है। और दूसरी चीज़ सैफ अली खान जो कि रावण की जो कि भरपूर खतरनाक और जो कि डरावना बनते हैं कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सफल हो जाते हैं और मगर फिल्म उन्हें जो कि लेट डाउन करती है तो एक रावण के किरदार में जो कि हाइट फिल्म में दिखने वाले जो कि अन्य सभी किरदारों से ज़्यादा वो जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रावण किसी वीडियो गेम का हिस्सा है और उनके हिस्से जो कि घिरे हुए डायलॉग्स आए और प्लास को जो कि कई जो कि मैकों पर जो कि अजीबोगरीब जो कि आवाज़ें निकालते सुनाई देते हैं। और कीर्ति सेनन के पास जो कि करने को ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि फिल्म शुरू होने के आधे घंटे के भीतर रावण जानकी को जो कि किडनैप कर लेता है और उसके बाद जो कि अशोक वाटिका में राघव का इंतजार कर रही होती है जो 3 गानों में दिखती है। अगर उन्हें मौके मिलते तो वो फिर फिल्म को बेहतर बनाने में ज़रूर मददगार साबित होती। राम के किरदार में प्रभास नहीं जचे और फिल्म में जो कि बॉमी जो कि शिकल भी उनके चेहरे पर कोई जो कि भाव नज़र नहीं आता। और इतना ही नहीं, इनका आत्मा कर्तमा राम के जो कि किरदार पर शूट नहीं करती और जितनी फिल्म में जो कि लाद दी है और प्रभास को देखकर ऐसा लगता है कि वो बाहुबली जो कि हैंगओवर से ही निकल नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण के किरदार में सनी शर्मा ऐसे लगते हैं मानो वो मन में जो कि स्वीकार कर चुके हैं और वो भी जो कि ये इनकी फिल्म है और वो प्रभास के जो कि सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं। और देवदत्त जो कि नागे ने
हनुमान का किरदार निभाया है और वो जो कि शारीरिक रूप से जो कि इस किरदार पर पूरी तरह से सूट करते हैं। और इस फिल्म में उनके हिस्से जो कॉमेडी वाले सीन रखे गए हैं वो भले ही वो जो कि फिल्म पर शूट नहीं कर पा रहे हैं मगर नागे उसमें अच्छे लगते हैं। आदि पुरुष को नए जमाने में की रामायण के तौर पर जो कि पेश करने की कोशिश की गई है मगर वो चीज़ बिल्कुल भी उस दिशा में नहीं जा पाई और कुल जमा बात ये आदि पुरुष में देखने के लायक कुछ नहीं है क्योंकि बहुत ही कुछ दिखाई नहीं देता है और अंधेरी लगती है। ऐसा लगता है कि आदि पुरुष को जो कि DC ने बनाया है और ये फिर फिल्म जो कि अपनी जो कि कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है और आदि पुरुष का जो कि औसत से नीचे ही फिल्म है जिसे आप नहीं देखते तब ज़्यादा कुछ मिस करने का मतलब नहीं करेगा। दोस्तों इसी तरीके से जो कि फिल्म का रिव्यू हमें देखने को मिलता है। वहीं आप लोगों को बता दें अगर आप लोगों को आदि पुरुष देखनी है तो आप लोग आदि पुरुष को नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर जाकर बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर थे ओम रावत जिन्होंने जो कि अजय देवगन के साथ जो कि तानाजी जैसी फिल्में बना चुके हैं। वहीं ओम रावत भी नज़र आए थे जो कि उन्होंने जो कि इस फिल्म पर कोई अच्छे से काम नहीं किया और फिल्म में प्रभास, सैफ अली खान, कृति सनन, सनी सिंह और जो कि देवदत्ता नागे जैसे कलाकार फिल्म में देखने को मिले। और वहीं फिल्म को 16 जून को यानी 2023 में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का बजट लगभग 700 करोड़ रुपए था और फिल्म ने टोटल कमाई 350 करोड़ रुपए कमाए और फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई और इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में बनाया गया था। लेकिन फिल्म जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी, जिस तरीके से इसका हवा बवा उड़ा हुआ था उसे पर यह खरी नहीं उतरी। तो दोस्तों क्या आप लोगों को फिल्म पसंद आई या नहीं अपनी राय हमें जरूर दीजिए। जानिए इस वीडियो के माध्यम से आदि पुरुष फिल्म की कहानी और रिव्यू और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं कि आप भी जो कि फिल्म की कहानी को समझिए कि आखिर जो कि आदि पुरुष जो कि कौन से इस कहानी पर बनाई गई है, क्या जो उस वक्त के दौर में जो रामायण आई थी क्या उसी पर आधारित है या कुछ चेंजिंग है। और आप लोगों को बताते हैं कि आप इस फिल्म को कहां पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं और हमने जो भी रामायण में देखी है या पढ़ी है उसमें रामायण और हनुमान समेत तमाम किरदार जो कि ज्ञानी समझदार जो कि टाइप के लोग हैं और कम लोग बोलते हैं कि कम का जो कि बोलते हैं और जो कि सब साधारण भाषाओं में बात करते हैं मगर ये सब कुछ जो कि इन जो कि फॉर्मूल है और जो कि छिछिल्लापन है और रामायण सैकड़ों वर्ष पहले ही जो कि बताई जाती है और आदि पुरुष देखकर लगता है कि वो कहानी आज घट रही है और यूपी या दिल्ली के इसी इलाके में मुझे उस भाषा से कोई समस्या नहीं और तमाम जो कि खामियों के बावजूद मुझे ओवरऑल फिल्म जो कि इंटरटेनिंग लगी क्योंकि मैं थिएटर में पूजा आर्ट या जो कि धार्मिक भावनाओं के साथ नहीं गया था और पिक्चर देखने गया था और मेरा जो कि पॉइंट बस यही है और इन जो कि पछड़ों में भगवान को मत जो कि इन्वॉल्व करिए या अपने भगवान के नाम पर जो कि सटीस रिजर्व करवा दी और फूल माला चढ़ा दिया और पिक्चर ऐसी बना दी जिसमें देखने के जो कि नास्तिक लोगों की भी झमकियां भावनाएं अहत हो गई। और इसी सीन में फिल्म की जो कि तथा तम जो कि छुट्टी भी पकड़ी जाती है और जब हनुमान उनकी राम के जो कि अंगूठी देते हैं तो बदले में जानकी उन्हें अपना जो कि कंगन निकाल कर देती है जबकि असल में ऐसा था कि सीता ने हनुमान को जो कि अपनी जो कि चूड़ियां मड़ी दिया था और चूड़ियां मड़ी एक जो कि ज्वेलरी होती है जो महिलाएँ बालों में पहनती हैं और हेयर जो कि क्लीनिंग पिन जैसा कुछ मगर मेकर्स को चूड़ा पहना कर लगा दिया और ये कंगना जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। और आदि पुरुष पहली बार जो कि अपने जो कि टेक्नल पर्च की जो कि वजह से जो कि खबरों में आई और टीजर के बाद लोगों ने जो कि शिकायत की कि ये VFX में मेकर्स ने समस्या लिया, बोले VFX को सुधार कर पिक्चर रिलीज़ करें और पिक्चर देखने के ये बात पता चला कि मेकर्स ने जो कि VFX में कुछ सुधार ही नहीं किया और टीजर में एक्ट्रेस की जो कि शक्लें काफ़ी जो कि कंप्यूटर जो कि जनरेट लग रही थी और उन्होंने बस उसी ठीक कर दिया। और इसमें फिल्म में जो कि बंदर जैसे दिख रहे जो कि अगर उन्हें सवाल वाले बंदर देख लें तो कांप जाएं और रावण की पूरी सेना गेम जो कि ऑफ थ्रोन वाले जो कि नाइट वर्क्स सी लगती है और इसमें कुछ जो कि थैनोस जैसे दिखने वाले लोग भी हैं और जो कि गुरीब और बाली ने जो कि अपने गले में एक माला पहनी हुई है जो ब्लैक पत्थर की जो कि नकल है। आदि पुरुष में जो कि एक सीन जहां राम और रावण की सेनाएं जो कि युद्ध भूमि में आमने सामने हैं, थोड़ी जो कि छिटपुट जो कि
लड़ाई चल रही है और यहाँ पर जो कि राम लक्ष्मण सुग्रीव और जमवत और हनुमान गोल घेरा बनाकर खड़े हैं और कैमरा एक गोल चक्कर मारता है और सबकी झलक कैद करता है। और ये सीन 2012 में आई पहली जो कि द एवेंजर्स ने उठाया था और नीचे लगे वीडियो में 2:24 पर जो कि वो सीन आप देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म में दो चीज़ें ऐसी चीज़ हैं जो इस फिल्म में थोड़ी बहुत देखने के लायक बनती हैं और एकदम जो कि सरतल में जाने से बचने की कोशिश करती है। और आवाज तो अजय अतुल का बनाया है और जय श्री राम गाना और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में अपने कई कमज़ोर सीन में जो कि बैकग्राउंड स्कोर की मदद लेती है। और दूसरी चीज़ सैफ अली खान जो कि रावण के जो कि भरपूर खतरनाक और जो कि ड्रामा बनते हैं कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सफल हो जाते हैं और मगर फिल्म उन्हें जो कि लेट डाउन करती है। तो एक रावण के किरदार में जो कि हाइट फिल्म में दिखने वाले जो कि अन्य सभी किरदारों से ज़्यादा वो जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रावण किसी वीडियो गेम का हिस्सा है और उनके हिस्से जो कि घिरे हुए डायलॉग्स आए और प्लास को जो कि कई जो कि मैकों पर जो कि अजीबोगरीब जो कि आवाज़ें निकालते सुनाई देते हैं। और कीर्ति सेनन के पास जो कि करने को ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि फिल्म शुरू होने के आधे घंटे के भीतर रावण जानकी को जो कि किडनैप कर लेता है और उसके बाद जो कि अशोक वाटिका में राघव का इंतज़ार कर रही होती है जो 3 गानों में दिखती है। अगर उन्हें मौके मिलते तो वो फिर फिल्म को बेहतर बनाने में ज़रूर मददगार साबित होती। राम के किरदार में प्रभास नहीं जचे और फिल्म में जो कि बॉमी जो कि शिकल भी उनके चेहरे पर कोई जो कि भाव नज़र नहीं आता। और इतना ही नहीं इनका आत्मा कर्तमा राम के जो कि किरदार पर शूट नहीं करती और जितनी फिल्म में जो कि लाद दी है और प्रभास को देखकर ऐसा लगता है कि वो बाहुबली जो कि हैंगओवर से ही निकल नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण के किरदार में सनी शर्मा ऐसे लगते हैं मानो वो मन में जो कि स्वीकार कर चुके हैं और वो भी जो कि ये इनकी फिल्म है और वो प्रभास के जो कि सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं। और देवदास जो कि नागे ने हनुमान का किरदार निभाया है और वो जो कि शारीरिक रूप से जो कि इस किरदार पर पूरी तरह से सूट करते हैं। और इस फिल्म में उनके हिस्से जो कॉमेडी वाले सीन रखे गए हैं वो भले ही वो जो कि फिल्म पर शूट नहीं कर पा रहे हैं मगर नागे उसमें अच्छे लगते हैं। आदि पुरुष को नए जमाने में की रामायण के तौर पर जो कि पेश करने की कोशिश की गई है मगर वो चीज़ बिल्कुल भी उस दिशा में नहीं जा पाई और कुल जमा बात ये आदि पुरुष में देखने के लायक कुछ नहीं है क्योंकि बहुत ही कुछ दिखाई नहीं देता है और अंधेरी लगती है। ऐसा लगता है कि आदि पुरुष को जो कि DC ने बनाया है और ये फिर फिल्म जो कि अपनी जो कि कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है और आदि पुरुष का जो कि औसत से नीचे ही फिल्म है जिसे आप नहीं देखते तब ज़्यादा कुछ मिस करने का मतलब नहीं करेगा। दोस्तों इसी तरीके से जो कि फिल्म का डेब्यू हमें देखने को मिलता है। वहीं आप लोगों को बता दें अगर आप लोगों को आदि पुरुष देखनी है तो आप लोग आदि पुरुष को नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर जाकर बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर थे ओम रावत जिन्होंने जो कि अजय देवगन के साथ जो कि तानाजी जैसी फिल्में बना चुके हैं। वहीं ओम रावत भी नज़र आए थे जो कि उन्होंने जो कि इस फिल्म पर कोई अच्छे से काम नहीं किया और फिल्म में प्रभास सैफ अली खान कीर्ति सेनन सनी सिंह और जो कि देवदत्ता नागे जैसे कलाकार फिल्म में देखने को मिले। और वहीं फिल्म को 16 जून को यानी 2023 में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का बजट लगभग 700 करोड़ रुपए था और फिल्म ने टोटल कमाई 350 करोड़ रुपए कमाए और फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई और इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में बनाया गया था लेकिन फिल्म जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी जिस तरीके से इसका हवा बवा उड़ा हुआ था उसे पर यह खरी नहीं उतरी। तो दोस्तों क्या आप लोगों को फिल्म पसंद आई या नहीं अपनी राय हमें जरूर दीजिए। जानिए इस वीडियो के माध्यम से आदि पुरुष फिल्म की कहानी और रिव्यू और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं कि आप भी जो कि फिल्म की कहानी को समझिए कि आखिर जो कि आदि पुरुष जो कि कौन से इस कहानी पर बनाई गई है, क्या जो उस वक्त के दौर में जो रामायण आई थी क्या उसी पर आधारित है या कुछ चेंजिंग है। और आप लोगों को बताते हैं कि आप इस फिल्म को कहां पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं और हमने जो भी रामायण में देखी है या पढ़ी है उसमें रामायण और हनुमान समेत तमाम किरदार जो कि ज्ञानी समझदार जो कि टाइप के लोग हैं और कम लोग बोलते हैं कि कम का जो कि बोलते हैं और जो कि सब साधारण भाषाओं में बात करते हैं मगर ये सब कुछ जो कि इन जो कि फॉर्मल है और जो कि छिछिल्लापन
छिछिलनापन है और रामायण सैकड़ों वर्ष पहले ही जो कि बताई जा चुकी है और आदि पुरुष देखकर लगता है कि वो कहानी आज घट रही है और यूपी या दिल्ली के इसी इलाके में मुझे उस भाषा से कोई समस्या नहीं और तमाम जो कि खामियों के बावजूद मुझे ओवरऑल फिल्म जो कि इंटरटेनिंग लगी, क्योंकि मैं थिएटर में पूजा आर्ट या जो कि धार्मिक भावनाओं के साथ नहीं गया था और पिक्चर देखने गया था और मेरा जो कि पॉइंट बस यही है। और इन जो कि पचड़ों में भगवान को मत जो कि इन्वॉल्व करिए या अपने भगवान के नाम पर जो कि सर्टिस रिजर्व करवा दी और फूल माला चढ़ा दिया और पिक्चर ऐसे बना दी जिसमें देखने के जो कि नास्तिक लोगों की भी झमकिया भावनाएं अहत हो गई। और इसी सीन में फिल्म की जो कि तथा तम जो कि छुट्टी भी पकड़ी जाती है और जब हनुमान उनकी राम की जो कि अंगूठी देते हैं तो बदले में जानकी उन्हें अपना जो कि कंगन निकाल कर देती है, जबकि असल में ऐसा था कि सीता ने हनुमान को जो कि अपनी जो कि चूड़िया मड़ी दिया था और चूड़िया मड़ी एक जो कि ज्वेलरी होती है जो महिलाएं बालों में पहनती हैं और हेयर जो कि क्लीनिंग पिन जैसा कुछ मगर मेकर्स को चूड़ा पहना कर लगा दिया और ये कंगना जैसी कोई चीज नहीं होगी। और आदि पुरुष पहली बार जो कि अपने जो कि टेक्नल पर्च की जो कि वजह से जो कि खबरों में आई और टीजर के बाद लोगों ने जो कि शिकायत की कि ये VFX में मेकर्स ने समस्या लिया, बोले VFX को सुधार कर पिक्चर रिलीज करें और पिक्चर देखने के ये बात पता चला कि मेकर्स ने जो कि VFX में कुछ सुधार ही नहीं किया और टीजर में एक्टर्स की जो कि शक्लें काफ़ी जो कि कंप्यूटर जो कि जनरेट लग रही थी और उन्होंने बस उसे ठीक कर दिया। और इसमें फिल्म में जो कि बंदर जैसे दिख रहे जो कि अगर उन्हें सवाल वाले बंदर देख लें तो कांप जाएं। और रावण की पूरी सेना गेम जो कि ऑफ थ्रोन वाले जो कि नाइट वर्क्स से लगती है और इसमें कुछ जो कि थैनोस जैसे दिखने वाले लोग भी हैं और जो कि गुरीब और बाली ने जो कि अपने गले में एक माला पहनी हुई है जो ब्लैक पत्थर की जो कि नकल है। आदि पुरुष में जो कि एक सीन जहां राम और रावण की सेनाएं जो कि युद्ध भूमि में आमने सामने हैं, थोड़ी जो कि छिटपुट जो कि लड़ाई चल रही है और यहां पर जो कि राम लक्ष्मण सुग्रीव और जमवत और हनुमान गोल घेरा बनाकर खड़े हैं और कैमरा एक गोल चक्कर मारता है और सबकी झलक कैद करता है। और ये सीन 2012 में आई पहली जो कि द एवेंजर्स ने उठाया था और नीचे लगे वीडियो में 2:24 पर जो कि वो सीन आप देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म में दो चीज़ें ऐसी चीज हैं जो इस फिल्म में थोड़ी बहुत देखने के लायक बनती हैं और एकदम जो कि सरतल में जाने से बचने की कोशिश करती हैं और आवाज तो अजय अतुल का बनाया है और जय श्री राम गाना और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में अपने कई कमजोर सीन में जो कि बैकग्राउंड स्कोर की मदद लेती है। और दूसरी चीज सैफ अली खान जो कि रावण के जो कि भरपूर खतरनाक और जो कि डरावना बनते हैं कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सफल हो जाते हैं और मगर फिल्म उन्हें जो कि लेट डाउन करती है तो एक रावण के किरदार में जो कि हाइट फिल्म में दिखने वाले जो कि अन्य सभी किरदारों से ज़्यादा वो जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रावण किसी वीडियो गेम का हिस्सा है और उनके हिस्से जो कि घिरे हुए डायलॉग्स आए और प्लास को जो कि कई जो कि मैकों पर जो कि अजीबोगरीब जो कि आवाज़ें निकालते सुनाई देते हैं। और कीर्ति सेनन के पास जो कि करने को ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि फिल्म शुरू होने के आधे घंटे के भीतर रावण जानकी को जो कि किडनैप कर लेता है और उसके बाद जो कि अशोक वाटिका में रागों का इंतजार कर रही होती है जो 3 गानों में दिखती है। अगर उन्हें मौके मिलते तो वो फिर फिल्म को बेहतर बनाने में जरूर मददगार साबित होती। राम के किरदार में प्रभास नहीं जचे और फिल्म में जो कि बॉमी जो कि शिकल भी उनके चेहरे पर कोई जो कि भाव नज़र नहीं आता। और इतना ही नहीं इनका आत्मा कर्तमा राम के जो कि किरदार पर शूट नहीं करती और जितनी फिल्म में जो कि लाद दी है और प्रभास को देखकर ऐसा लगता है कि वो बाहुबली जो कि हैंगओवर से ही निकल नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण के किरदार में सनी शर्मा ऐसे लगते हैं मानो वो मन में जो कि स्वीकार कर चुके हैं और वो भी जो कि ये इनकी फिल्म है और वो प्रभास के जो कि सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं। और देवदास जो कि नागे ने हनुमान का किरदार निभाया है और वो जो कि शारीरिक रूप से जो कि इस किरदार पर पूरी तरह से सूट करते हैं और इस फिल्म में उनके हिस्से जो कॉमेडी वाले सीन रखे गए हैं वो भले ही वो जो कि फिल्म पर शूट नहीं कर पा रहे हैं मगर नागे उसमें अच्छे लगते हैं। आदि पुरुष को नए जमाने में की रामायण के तौर पर जो कि पेश करने की कोशिश की गई है मगर वो चीज़ बिल्कुल भी उस दिशा में नहीं जा पाई और कुल जमा बात ये आदि पुरुष में देखने के लायक कुछ नहीं है क्योंकि बहुत ही कुछ
क्योंकि बहुत ही कुछ दिखाई नहीं देता है और अंधेरी लगती है। ऐसा लगता है कि आदि पुरुष को जो कि डीसी ने बनाया है और ये फिर फिल्म जो कि अपनी जो कि कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है और आदि की और आदि पुरुष का जो कि औसत से नीचे ही फिल्म है जिसे आप नहीं देखते तब ज़्यादा कुछ मिस करने का मतलब नहीं करेगा। दोस्तों इसी तरीके से जो कि फिल्म का डेब्यू हमें देखने को मिलता है। वहीं आप लोगों को बता दें अगर आप लोगों को आदि पुरुष देखनी है तो आप लोग आदि पुरुष को नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर जाकर बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर थे ओम रावत जिन्होंने जो कि अजय देवगन के साथ जो कि तानाजी जैसी फिल्में बना चुके हैं। वहीं ओम रावत भी नजर आए थे जो कि उन्होंने जो कि इस फिल्म पर कोई अच्छे से काम नहीं किया और फिल्म में प्रभास, सैफ अली खान, कृति सनन, सनी सिंह और जो कि देवदत्ता नागे जैसे कलाकार फिल्म में देखने को मिले। और वहीं फिल्म को 16 जून को यानी 2023 में रिलीज किया गया था। फिल्म का बजट लगभग 700 करोड़ रुपए था और फिल्म ने टोटल कमाई 350 करोड़ रुपए कमाए और फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई और इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में बनाया गया था। लेकिन फिल्म जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी, जिस तरीके से इसका हवा बवा उड़ा हुआ था, उसे पर ये खरी नहीं उतरी। तो दोस्तों क्या आप लोगों को फिल्म पसंद आई या नहीं, अपनी राय हमें जरूर दीजिए। जानिए इस वीडियो के माध्यम से आदि पुरुष फिल्म की कहानी और रिव्यू। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं कि आप भी जो कि फिल्म की कहानी को समझिए कि आखिर जो कि आदि पुरुष जो कि कौन से इस कहानी पर बनाई गई है, क्या जो उस वक्त के दौर में जो रामायण आई थी क्या उसी पर आधारित है या कुछ चेंजिंग है। और आप लोगों को बताते हैं कि आप इस फिल्म को कहां पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हमने जो भी रामायण में देखी है या पढ़ी है उसमें रामायण और हनुमान समेत तमाम किरदार जो कि ज्ञानी समझदार जो कि टाइप के लोग हैं और कम लोग बोलते हैं कि कम का जो कि बोलते हैं और जो कि सब साधारण भाषाओं में बात करते हैं, मगर ये सब कुछ जो कि इन जो कि फॉर्मूल है और जो कि छिछिल्लापन है। और रामायण सैकड़ों वर्ष पहले ही जो कि बताई जाती है और आदि पुरुष देखकर लगता है कि वो कहानी आज घट रही है और यूपी या दिल्ली के इसी इलाके में मुझे उस भाषा से कोई समस्या नहीं और तमाम जो कि खामियों के बावजूद मुझे ओवरऑल फिल्म जो कि इंटरटेनिंग लगी, क्योंकि मैं थिएटर में पूजा आर्ट या जो कि धार्मिक भावनाओं के साथ नहीं गया था और पिक्चर देखने गया था और मेरा जो कि पॉइंट बस यही है। और इन जो कि पछड़ों में भगवान को मत जो कि इन्वॉल्व करिए या अपने भगवान के नाम पर जो कि सटीस रिजर्व करवा दी और फूल माला चढ़ा दिया और पिक्चर ऐसी बना दी जिसमें देखने के जो कि नास्तिक लोगों की भी झमकिया भावनाएं अहत हो गई। और इसी सीन में फिल्म की जो कि तथा तम जो कि छुट्टी भी पकड़ी जाती है और जब हनुमान उनकी राम के जो कि अंगूठी देते हैं तो बदले में जानकी उन्हें अपना जो कि कंगन निकाल कर देती है, जबकि असल में ऐसा था कि सीता ने हनुमान को जो कि अपनी जो कि चूड़िया मड़ी दिया था और चूड़िया मड़ी एक जो कि ज्वेलरी होती है जो महिलाएं बालों में पहनती है और हेयर जो कि क्लीनिंग पिन जैसा कुछ, मगर मेकर्स को चूड़ा पहना कर लगा दिया और ये कंगना जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। और आदि पुरुष पहली बार जो कि अपने जो कि टेक्नल पर्च की जो कि वजह से जो कि खबरों में आई और टीजर के बाद लोगों ने जो कि शिकायत की कि ये VFX में मेकर्स ने समस्या लिया, बोले VFX को सुधार कर पिक्चर रिलीज करें और पिक्चर देखने के ये बात पता चला कि मेकर्स ने जो कि VFX में कुछ सुधार ही नहीं किया और टीजर में एक्ट्रेस की जो कि शक्लें काफ़ी जो कि कंप्यूटर जो कि जनरेट लग रही थी और उन्होंने बस उसी ठीक कर दिया। और इसमें फिल्म में जो कि बंदर जैसे दिख रहे जो कि अगर उन्हें सवाल वाले बंदर देख लें तो कांप जाएं और रावण की पूरी सेना गेम जो कि ऑफ थ्रोन वाले जो कि नाइट वर्क्स सी लगती है और इसमें कुछ जो कि थैनोस जैसे दिखने वाले लोग भी हैं और जो कि गुरीब और बाली ने जो कि अपने गले में एक माला पहनी हुई है जो ब्लैक पत्थर की जो कि नकल है। आदि पुरुष में जो कि एक सीन जहां राम और रावण की सेनाएं जो कि युद्ध भूमि में आमने सामने हैं, थोड़ी जो कि छिटपुट जो कि लड़ाई चल रही है और यहां पर जो कि राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और जमवत और हनुमान गोल घेरा बनाकर खड़े हैं और कैमरा एक गोल चक्कर मारता है और सबकी झलक कैद करता है। और ये सीन 2012 में आई पहले जो कि द एवेंजर्स ने उठाया था और नीचे लगे वीडियो में 2 मिनट 24 सेकंड पर जो कि वो सीन आप देख सकते हैं। वहीं
फ्रिट्ज़ फिल्म में दो चीज़ें ऐसी चीज हैं जो इस फिल्म में थोड़ी बहुत देखने के लायक बनती हैं और एकदम जो कि सरतल में जाने से बचने की कोशिश करती हैं। और आवाज तो अजय अतुल का बनाया है और जय श्री राम गाना और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में अपने कई कमज़ोर सीन में जो कि बैकग्राउंड स्कोर की मदद लेती है। और दूसरी चीज़ सैफ अली खान जो कि रावण के जो कि भरपूर खतरनाक और जो कि ड्रामा बनते हैं कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सफल हो जाते हैं और मगर फिल्म उन्हें जो कि लेट डाउन करती है। तो एक रावण के किरदार में जो कि हाइट फिल्म में दिखने वाले जो कि अन्य सभी किरदारों से ज़्यादा जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रावण किसी वीडियो गेम का हिस्सा है और उनके हिस्से जो कि घिरे हुए डायलॉग्स आए और प्लास को जो कि कई जो कि मैकों पर जो कि अजीबोगरीब जो कि आवाज़ें निकालते सुनाई देते हैं। और कीर्ति सेनन के पास जो कि करने को ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि फिल्म शुरू होने के आधे घंटे के भीतर रावण जानकी को जो कि किडनैप कर लेता है और उसके बाद जो कि अशोक वाटिका में राघव का इंतज़ार कर रही होती है जो तीन गानों में दिखती है। अगर उन्हें मौके मिलते तो वो फिर फिल्म को बेहतर बनाने में ज़रूर मददगार साबित होती। राम के किरदार में प्रभास नहीं जचे और फिल्म में जो कि बॉमी जो कि शिकल भी उनके चेहरे पर कोई जो कि भाव नज़र नहीं आता। और इतना ही नहीं इनका आत्मा कर्तमा राम के जो कि किरदार पर शूट नहीं करती और जितनी फिल्म में जो कि लाद दी है और प्रभास को देखकर ऐसा लगता है कि वो बाहुबली जो कि हैंगओवर से ही निकल नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण के किरदार में सनी शर्मा ऐसे लगते हैं मानो वो मन में जो कि स्वीकार कर चुके हैं और वो भी जो कि ये इनकी फिल्म है और वो प्रभास के जो कि सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं। और देवदास जो कि नागे ने हनुमान का किरदार निभाया है और वो जो कि शारीरिक रूप से जो कि इस किरदार पर पूरी तरह से सूट करते हैं और इस फिल्म में उनके हिस्से जो कॉमेडी वाले सीन रखे गए हैं वो भले ही वो जो कि फिल्म पर शूट नहीं कर पा रहे हैं मगर नागे उसमें अच्छे लगते हैं। आदि पुरुष को नए जमाने में की रामायण के तौर पर जो कि पेश करने की कोशिश की गई है मगर वो चीज़ बिल्कुल भी उस दिशा में नहीं जा पाई और कुल जमा बात ये आदि पुरुष में देखने के लायक कुछ नहीं है क्योंकि बहुत ही कुछ दिखाई नहीं देता है और अंधेरी लगती है। ऐसा लगता है कि आदि पुरुष को जो कि DC ने बनाया है और ये फिर फिल्म जो कि अपनी जो कि कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है और आदि पुरुष का जो कि औसत से नीचे ही फिल्म है जिसे आप नहीं देखते तब ज़्यादा कुछ मिस करने का मतलब नहीं करेगा। दोस्तों इसी तरीके से जो कि फिल्म का रिव्यू हमें देखने को मिलता है। वहीं आप लोगों को बता दें अगर आप लोगों को आदि पुरुष देखनी है तो आप लोग आदि पुरुष को नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर जाकर बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर थे ओम रावत जिन्होंने जो कि अजय देवगन के साथ जो कि तानाजी जैसी फिल्में बना चुके हैं। वहीं ओम रावत भी नज़र आए थे जो कि उन्होंने जो कि इस फिल्म पर कोई अच्छे से काम नहीं किया और फिल्म में प्रभास सैफ अली खान कीर्ति सेनन सनी सिंह और जो कि देवदत्ता नागे जैसे कलाकार फिल्म में देखने को मिले। और वहीं फिल्म को 16 जून को यानी 2023 में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का बजट लगभग 700 करोड़ रुपए था और फिल्म ने टोटल कमाई 350 करोड़ रुपए कमाए और फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई और इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में बनाया गया था लेकिन फिल्म जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी जिस तरीके से इसका हवा बवा उड़ा हुआ था उसे पर यह खरी नहीं उतरी। तो दोस्तों क्या आप लोगों को फिल्म पसंद आई या नहीं अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए।